स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। जैसा कि आपको ध्यान है कि आज की जो क्लास है, हर बुधवार को अपनी क्लास एक टॉपिक की रहती है, जिसमें मेरी पूरी कोशिश रहती है कि एक ही क्लास के अंदर आपको पूरा टॉपिक पढ़ा दिया जाए, ताकि आपको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े। पूरा टॉपिक सेंस मतलब टॉपिक के जितने भी कंसेप्ट हैं, उसको करने के बाद आप मोस्टली क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। ये अपना दूसरा टॉपिक है जो आज का परसेंटेज है। इससे पहले मैंने आपको रेशियो करवाया था। रेशियो का आप लोगों के द्वारा जो रिस्पांस है वो बहुत बढ़िया रहा है, बहुत अच्छा उस टॉपिक का रिजल्ट रहा है। तो उसी को बेस पे देखते हुए तो आज की जो क्लास है परसेंटेज की, आज की क्लास भी आपको बहुत कुछ नया सिखा के जाएगी। जिन क्वेश्चन को आप चार चार पाँच पाँच लाइन में करते थे, या कुछ ऐसे कंसेप्ट थे जो आपके टच में भी नहीं थे, तो आज की क्लास के अंदर अपने सारे कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले, अभी अभी आपने देखा होगा, अभी चार पाँच दिन पहले अभी CET एक नया टेस्ट पैटर्न बना है, CET का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब इंडिया लेवल पर, पूरे इंडिया लेवल पर एक ही एग्ज़ाम होगा, जिसमें स्टार्टिंग के अंदर कौन कौन से SSC, आपका रेलवे और बैंक, इन तीनों को लिया गया है। इन तीनों में आपको बार बार, पहले स्टूडेंट क्या होता था कि पहले आपको प्री का एग्ज़ाम देना पड़ता था, मेंस का अलग अलग देना पड़ता था, अलग अलग सेंटर्स एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बच्चों का टाइम कितना वेस्ट होता था, फॉर्म भरो आप, इन सब से आपको बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। अब आपको एक ही टेस्ट देना है और आपका जो स्कोर है टेस्ट का, वो स्कोर आपका 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। बेस्ट स्कोर जो होगा, जैसे 1 साल में 2 बार टेस्ट हुआ, मान लो आपके नंबर आए, कोई मान लो 200 में से एक बार आपके नंबर आए, मान लो 160, और दूसरी बार आपके नंबर कम आ गए, 120 आ गए, तो 160 आपका उस दिन से आगे 3 साल तक के लिए वैलिड होगा। तो अब आपके लिए बहुत समझने वाली बात यह है कि अगर आपने एक बार CET को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया, तो आपको बार बार एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब कंपटीशन बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, एक बार आप टेस्ट दो, बाद में जो मेंस होगा, चाहे आप SSC में चले जाना, चाहे आप बैंक में जाना, चाहे आप रेलवे में जाना, इन तीनों में जाने के लिए पहले आपको CET से गुजरना ही पड़ेगा। तो उसी सीरीज़ को अब आप इस पैटर्न को तो समझ ही गए। तो आज की जो क्लास है परसेंटेज की, तो परसेंटेज को स्टार्ट करते हैं। देखिए तो क्लास क्या है, परसेंटेज, पहले देखो परसेंटेज को समझना ज़रूरी है। परसेंटेज इसका मतलब क्या है, प्रतिशतता। साइन क्या होता है इसका, परसेंटेज। इसका मतलब क्या है, इसका बेस क्या है, 100 के बेस पर अपने बात करेंगे। जैसे देखो आप, ये पॉइंट आप शुरू से समझ आपको आता है कैसे, जैसे आप छोटी क्लास के अंदर थे तो आपके घर वाले आपसे मार्क्स पूछते थे कि बच्चा कितने परसेंट नंबर आए, तब आपको इस चीज़ का शायद आइडिया नहीं था। अब उसी पॉइंट को समझते हैं। जैसे आपने कोई क्लास के अंदर टेस्ट दिया, आपके 10 में से 8 नंबर आए, अगर आपसे पूछा जाए कि कितने परसेंट आए, तो आप उसको ऐसे निकालते थे कि 8/10, और मैं अगर इनटू 100 करूँ, 100 पर मेरा बेस क्या रहना चाहिए, 100, तो इसका मतलब मेरा रिजल्ट कितना आएगा, 80%। इसका मतलब क्या है कि आप इस पॉइंट को ऐसे भी कर सकते थे कि अगर ये बेस 10 है, अगर मैं इसको कैसे भी करके 100 बना लूँ, वैसा प्रोसीजर अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँगा, तो वो मेरा मान परसेंटेज में लिखा जाएगा। 100 पे तुलना करेंगे, वो परसेंटेज होगा। तो अपने क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया 100, और अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन गया, 80%। यहाँ से आप बता सकते हो कि यहाँ कितना हुआ, 80%। दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लो कि किसी एरिया के अंदर मान लो 1000 लोग हैं, और उनमें से 700 लोग किसी चुनाव के अंदर गए, वोट देने के लिए गए, 1000 में से कितने गए, 700। आपसे पूछा जाए कि उस एरिया में कितने परसेंट गए, तो कितने परसेंट का मतलब ये नंबर आपका 100 होना चाहिए। तो 100 के लिए इसको कितने से डिवाइड करेंगे, 10 से। अगर इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ जो नंबर होगा वो कितना होगा, 70%। तो परसेंटेज का मतलब आप समझ गए, चाहे वो 100 से कम हो, चाहे वो 100 से ज़्यादा हो, अपने को लेके क्या चलना है, 100 लेके चलना है, उसके बेस पर आपके आंसर आएंगे। मैं आपको पैटर्न वाइज सारे समझाता रहता हूँ, हर टॉपिक के क्या क्या कंसेप्ट्स बनेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला कंसेप्ट जो अपना है वो मैं अभी ले रहा हूँ, समतुल्य बट्टा। देखो समतुल्य बट्टा से पहले, करने से पहले मैं आपको कुछ परसेंटेज में आपको कम्फर्ट करवा देता हूँ क्या है। देखो जैसे मान लो किसी नंबर पर लिखा हुआ है 100%, 100% का मतलब हुआ 100/100, इसका मतलब ये रिजल्ट हुआ आपका 1। अगर मैं इसको आधा करूं, 100 की जगह मैं 50% लिखूं, तो इसका मतलब इस 1 का आधा कितना हो गया, 1/2। इसका मतलब आपको दोनों तरीके से पता होना चाहिए, अगर हाफ लिखा है तो 50%, 50% लिखा है तो 1/2। अगर मैं और मान लो इसका 1/3 करूं, इस पॉइंट का, इसको आधा किया, इसका 1/3 करूं अगर, तो 100 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा, तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 33 1/3%।
99 प्लस 1 100 बटा 3 इंटू 1 बटा 100, परसेंट से फ्रैक्शन में जाएंगे तो 100 का भाग देंगे, 100 कट गया, कितना आया 1 बटा 3। अगर मान लो मैं 4 से डिवाइड करूं इसे तो ये रिजल्ट कितना हुआ 1 बटा 4, तो ये कितना हुआ 25%। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो बार बार यूज़ होंगे। जैसे मान लो कि किसी क्वेश्चन में आया कि किसी एरिया की पॉपुलेशन 20% बढ़ गई, तो 20% का मतलब जैसे 1/5, इसके बाद 20% आएगा तो तुरंत दिमाग के अंदर आना चाहिए, क्योंकि 80-90% क्वेश्चन के अंदर ये स्टैंडर्ड रिजल्ट ही यूज़ किए जाते हैं। अगर नहीं होगा तो उसको कन्वर्ट करना भी अपने सीख लेंगे। अगर मान लो मैं इसको 5 से डिवाइड करूँ तो ये कितना हुआ 1/5, और अगर इसको 5 से डिवाइड करूँगा तो ये कितना हुआ 20%। ऐसे अगर मान लो आप 6 से डिवाइड करते हैं तो 100 में 6 का भाग दिया तो कितना हुआ 50/3, इसका मतलब ये नंबर हुआ आपका 16 सही 2/3%, ये हो गया आपका 1/6। अगर मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो 14 पे पूरा जाएगा, 2 एक्स्ट्रा है, तो ये रिजल्ट कितना हो गया आपका 1/7। अगर 8 से डिवाइड करें तो 100/8 25/2 12.5%, बार बार यूज़ होंगे। अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो ये कितना आ गया 11 पे कंप्लीट जाएगा, 11 से 1/9%, ये कितना हो गया 1/9। अगर मैं 10 से भाग दूं तो 10%, ये रिजल्ट कितना शो होगा 1/10। अगर मैं 11 का भाग दूं इसके अंदर तो ये रिजल्ट कितना हो गया 9 से 1/11%, ये कितना हो गया 1/11। ये रिजल्ट्स तो ऐसे हैं जो हर बच्चे को याद होने चाहिए। अब मान लो कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन यूज़ किया, जैसे अपने मान लो कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, अपने को क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ रही है 60% की। अब इस पॉइंट को समझना, देखो 60% की। अब दो तरीके हैं, अगर आपको याद है कि 20% 1/5 है, अब हमें पता है कि 60% होगा तो इसका 3 गुना होगा, तो इसका 3 गुना कितना हुआ 3/5। तो यहाँ एक बेनिफिट है कि आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको बार बार ये लिखना पड़ेगा 60/100। इससे जब आपने सॉल्व किया तो ये रिजल्ट कितना आ गया 3/5। बाकी आप समझ जाओगे, जैसे 66 से 2/3% है, इसका मैं डबल करूं 66 2/3%, तो ये कितना हुआ 2/3। इसका मतलब मैं आपको कुछ रिजल्ट और लिखवा देता हूं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 66 2/3% क्या होता है 2/3, 12.5% का अगर मैं 3 गुना करूँ 37%, 12 3 36 और 37.5%, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है क्वेश्चन के अंदर, ये कितना आ गया 3/8। तो बाकी जैसे अपने करेंगे क्वेश्चन तो बार बार आपको समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट पहले पॉइंट पे चलते हैं, समतुल्य बट्टा पर। पहला पॉइंट अपना क्या लेके चल रहे हैं, समतुल्य बट्टा। ध्यान से अब समझना आप, परसेंट रेशियो टॉपिक की तरह अगर आप चाहते हो कि आपका ये टॉपिक बहुत स्ट्रांग हो तो आपको ये सारे पॉइंट बेसिक समझने पड़ेंगे। इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट। देखो पहले समझते देखो क्या है इस डिस्काउंट में। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि कुछ पॉइंट आप 100% नहीं सीखोगे आप। देखो पहली बात, स्टूडेंट का ये इसके अंदर एक कन्फ्यूज़न होता है कि सर टॉपिक आपने डिस्काउंट लिखा है, टॉपिक आपका परसेंटेज चल रहा है। देखो इसको आप जैसे चेंज करोगे इसका यूज़ परसेंटेज में होगा, इसलिए मैं आपको इसका एक हिंट दे रहा हूँ क्या है। जैसे मान लो कि क्वेश्चन लिखा है कोई 10% तथा 10% कोई क्वेश्चन है मान लो के समतुल्य बट्टा ज्ञात करें, के समतुल्य बट्टा ज्ञात करें, इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 10%, समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे, कितने तरीके हो सकते हैं। देखो पहले तो आप इसका पॉइंट समझो, देखो क्या है। जैसे मान लो आप किसी शोरूम में गए, वहां डिस्काउंट लगा हुआ है 10% प्लस 10%, ऐसे लिखा हुआ है। कभी आप जब आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो तो दो दो डिस्काउंट होते हैं, कभी जब सेल होती है तो तीन तीन डिस्काउंट होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब इन दोनों का टोटल कर दिया कि आप वहाँ 20% लिख के आ जाओगे। ये 20% का मतलब ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया है। पहली बात तो ये 20% नहीं है। अब इसको करेंगे कैसे, देखो इसके तरीके समझो आप क्या है। अगर फर्स्ट तरीका में अगर समझो इसे, तो पहले मैंने नंबर मान लिया 100, 100 पर अगर मैं 10% का डिस्काउंट देता हूँ तो मेरी 10 वैल्यू कम हुई 100 पर, तो ये कितना आ गया 90। अब मैंने फिर 10% डिस्काउंट दिया तो ये नंबर कितना हो गया मेरा 9 कम हो गया। 9 कम होने के बाद ये किस पे चला गया 81 पर। 100 डिस्काउंट था, 2 के बाद 81 पे चला गया, तो ओवरऑल मेरा डिस्काउंट कितना हुआ 19% का मेरा इसके अंदर हो गया डिस्काउंट। सेकेंड देखो इसका वे लिखने का क्या है, पहले आप जैसे मैंने आपको रेशियो पढ़ाया था, पहले आप सारा पैटर्न समझ लो कि किस क्या पता किस क्वेश्चन में कौन सा यूज़ हो जाए।
तो 100% का जैसे आपने लिखा 10% डिस्काउंट, तो ये 10% का मतलब ये वैल्यू कितनी होगी, 10 कम होगी, ये आ गया आपका 10। अब यहाँ रिजल्ट कितना आ गया आपका, 90 आ गया। अब मैंने 10% और कम किया, 10% में और कम करूँगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 कम हो जाएगी। अब आपको यहाँ 81 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ जो आपने इसका टोटल करो आप, ये कितना आया 19%। ये भी आपका एक रिजल्ट है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट देखो क्या है इसको लिखने का, आप लास्ट तक देखना कंटिन्यू, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। देखो आप इसको अपने फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते थे, 10% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/10। अभी मैंने आपको समझाया था 10/100, 1/10, ये रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। डिस्काउंट मतलब यहाँ क्या हो गया, माइनस, इसका मतलब 10 रुपये की कोई वस्तु जो रेट 10 रुपये है, 1 रुपये का उसके अंदर डिस्काउंट है, छूट है, वो अपने को मिल रही है 9 रुपये की। 10 रुपये वाली वस्तु कितने में मिल रही है, 9 में। एक और डिस्काउंट लगा हुआ है 10%, वो कितना हुआ, माइनस 1/10, इसका मतलब 10 वाली फिर कितने में मिल रही है, 9 में। ये कितना हो गया 100, ये कितना हो गया 81। अगर ये 100 है तो इनका डिफरेंस हमारा आंसर होगा, यहाँ कितना आ गया, 19% आ गया। अब ये 19% अगर यहाँ आया तो चौथा तरीका देखो इसका क्या है। चौथा आपको पता है कि डिस्काउंट के क्वेश्चन के लिए हम एक पैटर्न यूज़ करते हैं, x + y + x y + x y/100। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, अगर डिस्काउंट होगा तो माइनस होगा, अगर किसी चीज़ में इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो प्लस करेंगे। तो माइनस का 10, ये परसेंटेज में लिखे हुए नंबर, माइनस 10, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो यहाँ जो नंबर आएगा वो आपका कितना आ गया, देखो आप, -20 + 1, माइनस का 19, माइनस आपको क्या बता रहा है, डिस्काउंट। ये वर्ड किसको बता रहा है, डिस्काउंट को, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ इसको करने का क्या है। देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या करना है, आपकी इच्छा, इससे करो, इससे करो, इससे करो, जो आपको बढ़िया लगे। अब इसमें क्या है कि जैसे आपने 10% 10% लिखा, तो सबसे पहले आपके दिमाग के अंदर ये आना चाहिए 10 और 10 का टोटल किया 20%, आपका जो आंसर होगा वो 20% से कम आएगा, क्योंकि 10 और 10 तो कस्टमर को लग रहा है कि 20% का डिस्काउंट है, जबकि कंपनी आपसे फ़ायदा कमा रही है, जबकि एक्चुअल में देखो डिस्काउंट कितना हो रहा है 19। अब इस पॉइंट को समझो कि दो जगह पर मान लो कि 10% और 10% लिखा हो, एक जगह पे लिखा हुआ 19% फ्लैट, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन कस्टमर को अट्रैक्ट कौन सा करेगा, 10% और 10%। बात समझ में आ रही है? अब आप देखो कि हमें ये पता लग गया कि हमारा जो आंसर है वो 20% से कम है। अब आप सोचो कि एग्जामिनर ने इसके ऑप्शन ऐसे एडजस्ट किए, 20% मान लो यहाँ 21 दे दिया, इस जगह पे 25 दे दिया और इस जगह पर 19% दे दिया। अगर आपको ये पॉइंट ध्यान है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि इसका आंसर कितना होगा, 19। और ये आप CPO 2018 के पेपर उठा के देख लो, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस बेस पे टिक किए जा सकते हैं। अभी उनमें से एक दो क्वेश्चन मैं अभी आपको करवाऊंगा, अभी नोट कर लो आप इसे एक बार। देखो इसी बेस पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10% और 20% के समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। ये अभी एग्जाम 2018 का क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन रीड करो सबसे पहले, आपको एग्ज़ाम में कैसे पढ़ना है। देखो 30% कितना लिखा हुआ है, 35, और ये लिखा है 31, और ये लिखा हुआ है 28। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 10% और 20% के समतुल्य बट्टा। अब पॉइंट समझो आप, कन्फर्म है जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा आप तुरंत सॉल्व करने लगे, आपने लॉजिकल तरीके से सोचा ही नहीं। देखो ये 30% तो कस्टमर को दिखाई दे रहा है, जबकि एक्चुअल में तो कम है, जबकि आपका जो आंसर आएगा वो 30% से कम होगा, तभी तो कंपनी ने ये डिज़ाइन कर रखा है, नहीं तो इसकी जगह तो फ्लैट 30% लिख देते वो। अब 30% से कम वाला आंसर देखो, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये आपका आंसर आ गया। देखो इस अंडरस्टैंडिंग से आप टिक कर सकते हैं कि आपका आंसर कितना हुआ, 28%। अब आपको समझाना है तो मैं इस क्वेश्चन में आपको सारे मेथड बता देता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस में आ जाए। तो पहला, अगर अपने मान लो इसको 100 माने, पहला नंबर अगर पहले मेथड में इसको 100 मान के चले, तो 100 का 10% वैल्यू, तो ये कितना कम हो गया, देखो आप, ये हो गया माइनस का 10, ये हो गया 90। अब अपनों ने 20% डाउन किया, 20% डाउन करने का मतलब 18। अब आपके पास चॉइस है, देखो आप यहाँ 72 लिख दो, 72, तो ये 28 हो गया, लेकिन बेस्ट है, उससे बेस्ट है कि आप इन दोनों को ऐड कर दो, यहाँ रिजल्ट कितना हो गया, 28%। माइनस का मतलब डिस्काउंट होता है, ये रिजल्ट आ गया आपका। अब आप देखो सेकंड पॉइंट क्या, अगर आप इसको फ्रैक्शन में बदल दें, 10% का मतलब क्या है, 10% का मतलब हुआ 1/10, इसका मतलब 10 वाली वैल्यू किस में चेंज होगी, 9 में, डिस्काउंट के बाद। अगर मैं 20% लिखता हूँ यहाँ, 20%,
20% का मतलब इसका डबल, अगर मैं इसका डबल करूँगा, इसका मैंने डबल किया तो ये हो गया माइनस के 2/10। यहाँ भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अभी देखो इस जगह पर रेशो बना है, ज़रूरी नहीं कि आप इसको 1/5 लिखो, आप 2/10 लिखोगे तो भी आंसर आएगा। छोटी छोटी बातों पर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कभी कभार इन छोटी बातों पे भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसका मतलब अगर मैं पहले 10 लेके चलूँ तो 10 में 2 कम किए तो कितना हुआ 8, तो ये वैल्यू कितनी होगी 100 और ये रिजल्ट कितना होगा 72, इन दोनों के बीच का गैप कितना हुआ 28%, तो ये आपका आंसर आ गया। अगर मान लो कि मैं इसे सॉल्व करता, अगर मैं इसे सॉल्व करता तो मैं इसको ऐसे लिखता कि 10 से 9 1/5, तो 5 से कितना हुआ 4। अब आप देखो, अब यहाँ से आपके पास चॉइस है, देखो आप आगे इसे सॉल्व कर सकते हो या फिर आप इसको ऐसे रहने दो, 50 और ये कितना हो गया 36, इन दोनों के बीच का गैप कितना हुआ 14। आप इसे सॉल्व भी कर सकते थे, इसे 25 और 18 भी लिख सकते थे। मैंने अभी आपको परसेंटेज की स्टार्टिंग में बताया था, एक एग्जांपल दिया था कि आपके 10 में से 8 नंबर आए, इसका मतलब आप तुलना कर रहे हो 50 से। अगर ये 100 बन गया वो आपका परसेंटेज होगा, 100 के लिए आप क्या करोगे, इसे 100 के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इसका मतलब 14 को अगर अपने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 28% इस क्वेश्चन का बन जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट पॉइंट देखो आप इसके अंदर क्या हो सकता है, आपको दो मेथड मैंने बता दिए, तीसरा क्या है, तीसरा इसके अंदर एक नया पैटर्न अपने समझते, देखो क्या है, 10% और 20% जो डिस्काउंट लगे हुए हैं आप उनके सीक्वेंस को भी बदल सकते हो। आप कैसे, देखो आप 10% 20% लिखा हुआ है, इससे आपको एक क्वेश्चन जो मैं नेक्स्ट कराऊंगा तो आपको पता लगेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आपकी इच्छा है आप पहले 20% लिखो बाद में 10% लिखो, इससे फ़ायदा क्या होगा, मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा है 18% 15% और 10%, अगर आप 18 से स्टार्ट किया या पहले आपने 10% से स्टार्ट किया तो लास्ट के 18 निकालने में प्रॉब्लम आएगी, तो इसका मतलब हमें पता है कि 18 और 10 है, तो जैसे पहले आप 10 से 18 निकालो तो प्रॉब्लम आएगी, 18 से 10 निकालो तो इजी है, दोनों में आंसर सेम आएगा, बाकी वो क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। देखो आप 100 का 10% अगर मैं इसके सिक्वेंस को बदलता हूँ, यहाँ मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले लिखा 20, सिक्वेंस को बदल दिया, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ यहाँ इसकी जगह ले रहा हूँ 20% और इसकी जगह मैं ले रहा हूँ 10%। अब पॉइंट समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ से मैंने नंबर लिया 100, अगर 20 वैल्यू डाउन हुई इसके अंदर तो ये कितना हुआ -20, ये कितना हुआ 80, इसका यूज़ करेंगे अभी क्वेश्चन में। 10% और डाउन हुआ, 10% और डाउन हुआ तो ये कितना हुआ 8। यहाँ देखो आप ओवरऑल रिजल्ट आपका कितना आ रहा है 28% इस क्वेश्चन का आ गया आपका आंसर। आप इसे एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 वाले तरीके से भी कर सकते थे, कैसे, जैसे एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये परसेंटेज में है, डिस्काउंट है तो माइनस होगा, तो ये नंबर हुआ आपका माइनस का 10 माइनस का 20, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 10 × 20/100 ये कट गया आपस में, माइनस का 30 और प्लस का 2, ये रिजल्ट कितना आ गया माइनस का 28%, तो भी आपका आंसर कितना आ जाएगा 28%। माइनस आपको क्या बता रहा है, डिस्काउंट बता रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन में सबसे खास बात क्या थी, अगर इन सब का एनालिसिस किया जाए तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि जो भी डिस्काउंट लिखा है उसका टोटल करो, अगर टोटल 30 आ रहा तो आपका आंसर 30 से कम आएगा। मान लो तीन तरह के डिस्काउंट अगर मैंने टोटल किया, जैसे मान लो 10 20 और 30 है, 10 20 कितना हुआ 30, 30 और 30 हुआ 60, 100% है कि आपका आंसर 60% से कम होगा। अगर इस इतनी सी बात पर अगर आपके तीन ऑप्शन रिजेक्ट हो रहे हैं तो आप वहीं से, आपको उस क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं पड़ा, उस पूरा टाइम बच गया उस क्वेश्चन का। दूसरी बात यह कि अपने को ये पता है कि इसका सिक्वेंस भी क्वेश्चन के अंदर बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर तीन तरह के डिस्काउंट लगे हुए हैं, पहले आप समझना इन पॉइंट्स का, इनका यूज़ होगा बाद में बहुत अच्छे से, 10 10 और 10 के समतुल्य बट्टा आपको ज्ञात करना है। देखो समझना अब आप, एग्ज़ाम में सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा इन सब का टोटल करो 30, हमें ये कंफर्म हो गया कि हमारा जो आंसर होगा वो 30% से कम आएगा, ये कंफर्म है। मान लो एक ही ऑप्शन आपका 30% से कम है और फिर भी अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको समझ नहीं है। अब आप किसके, मैं कोई दो पैटर्न आपको समझा देता हूँ। देखो ये सारे नंबर एक हैं तो आप इसके ऑर्डर को तो बदल नहीं सकते क्योंकि रिजल्ट तो सेम रहेगा। अगर मैं मान लो पहले नंबर मैंने माना 100 का 10%, अगर मैं 10% वैल्यू इसके डाउन करूं तो ये नंबर आपका कितना हो गया, ये हो गया माइनस के 10, इस जगह पर ये नंबर कितना आ गया आपका 90। फिर अगर इसको 10% और डाउन करें तो ये कितना हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 81। फिर इसको 10% अगर अपने और डाउन करें तो ये नंबर हो गया आपका 8.1,
एक के बाद पॉइंट, 10% मतलब एक के बाद पॉइंट, 1% का मतलब दो के बाद पॉइंट। अगर आप इन सबको ऐड करो, देखो इन सबको अगर अपने ऐड करें, 19 और 8 27, 27.1% इसका हो गया आंसर। और ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट भी है, ये आपको याद भी रखना है कि 10 10 10 का टोटल 27.1 होता है और 10 10 का 19 होता है। अब आपको दूसरा पॉइंट समझाता हूँ, देखो क्या है, क्या इस क्वेश्चन को अपने फ्रैक्शन बना के कर सकते थे? यस। 10% क्या है? 10% को अपनों ने लिखा 1/10। 1/10 का मतलब क्या है? 10 की वैल्यू किस में चेंज हुई? 9 में। ये प्रोसेस 3 बार हुआ, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार, दूसरी बार फिर 10 से 9, तीसरी बार फिर 10 से 9। ये रिजल्ट कितना हुआ? यह कितना हुआ? 1000। और 9 का क्यूब, देखो 15 तक के क्यूब और 20 तक के, 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, 9 का क्यूब होता है 729। इसका मतलब अपने को ये वैल्यू बनानी है 100। अभी मैंने आपको बोला था 100 के लिए 10 से डिवाइड करो, 10 से डिवाइड कर दो। इसका मतलब 100 वाला रिजल्ट 72.9 में चेंज हुआ, तो इनके बीच का जो गैप है वो कितना है? 27.1 का। इसका मतलब अपना जो डिस्काउंट है वो कितना है? 27.1% इसका हो जाएगा आंसर। इस जगह पर बच्चे के मन में एक डाउट आता है, आपके मन में जो डाउट आएंगे जब भी आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, क्योंकि इतने टाइम पढ़ाते हुए हो गए कि बच्चा किस जगह पे क्या पूछेगा। बच्चे का ये आता है कि सर अगर मैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 वाले तरीके से करूं तो कैसे करूंगा? आपको ये 2 बार प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो अगर अपने यूज़ करें x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, मैंने अभी आपको बोला था कि 10-10 वाला रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। अगर 10-10 वाला अपने अप्लाई करें, 10-10 वाला भी मैंने आपको करवाया था, ये रिजल्ट क्या था कि 10 और 10 का अगर डिस्काउंट होगा वो रिजल्ट आपको कितना शो करेगा? 19% डिस्काउंट करेगा। इसका मतलब पहले रिजल्ट में, पहले स्टेप के अंदर तो 19 आया, अब इसका 19 और इसका 10 सेकेंड स्टेप में काम कर रहे हैं, तो 19 ये कितना हो गया? 10 माइनस माइनस क्या हो गया आपका? प्लस। और यहाँ से ये कितना आ गया? 1.9। ये हो गया माइनस के 29 प्लस 1.9। अगर आप 0.0 करोगे तो आपके पास जो आंसर आया वो कितना आया? माइनस के 27.1% इस क्वेश्चन का यहाँ हो जाएगा आंसर। अब आप एनालिसिस करो कि सबसे बेस्ट क्या है। बेस्ट क्या है आपको ये देखना है, फिर आपकी इच्छा है कि आप कैसे मर्जी करो, और बार 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 प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा किस जगह पर क्या आपको अप्लाई करना है। इसी से मिलता जुलता मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन, ये SSC CPU 2018 का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 20%, 10% और 15% के समतुल्य बट्टा, याद करें कि इसकी जगह अगर एक ही डिस्काउंट होता तो रिजल्ट क्या होता। इसके जो ऑप्शंस हैं वो क्या लिखे हुए हैं? ऑप्शन लिखे हुए हैं इसके 43.5%, 42.2%, 38.8%, 44.5%। अब आप देखो, मैंने आपको ये बात बोली थी कि आपको 2 रिजल्ट याद होने चाहिए, कौन कौन से? देखो आप, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ कि आपको एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि 10% और 10% का अगर डिस्काउंट है, इसका मतलब एक ही डिस्काउंट वहाँ लगाया जा सकता है, वो क्या होगा? 19। दूसरा रिजल्ट आपको ये बताया कि अगर 10-10 3 बार है, 10%, 10% और 10%, इसका मतलब यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? 27.1% आएगा, 27.1। और इससे अब आप देखो, इस बेस पर अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब ध्यान से समझना, आप देखो, अब 10-10 का मतलब क्या हुआ कि अगर 20 है तो गैप आ रहा है 1 का, अगर यहाँ गैप है आपका 30 तो यहाँ आ रहा है 27। इसका मतलब जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है आपका गैप भी इंक्रीज हो रहा है, 20 से 19 1, 30 से 27 3। इसका मतलब अगर अपना टोटल 30 से ऊपर हुआ तो हमारा गैप 3 से ज़्यादा होगा। इस बेस पर आप इसका आंसर बता सकते हैं कैसे। देखो आप इसका टोटल करो, ये हुआ 30 और 15 कितना हुआ? 45। इसका मतलब ये कन्फर्म है कि आपका जो आंसर आएगा वो 45% से आएगा कम। इस बेस पर एग्जामिनर ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, देखो उसने सारे ऑप्शन ऐसे दिए, उस बेस पर तो ये सारे ऑप्शन सही है। इसका मतलब अगर ये 45% से कम है तो अगर अपने इस वाले थिंकिंग से सोचें, देखो आप ये पॉइंट समझना, आप देखो आप, अगर मुझे ये पता लग गया कि मेरा आंसर अगर 45 है तो मेरा जो गैप आएगा वो 3 से ज़्यादा आएगा। अब 3 से ज़्यादा, देखो आप 3 से ज़्यादा में 45 और इसमें तो आधे का गैप है, तो ये ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो गया। अगर मैं यहाँ से देखूँ और 45 में 1.5 का गैप है, आंसर आपका रिजेक्ट हो गया। यहाँ जो आपका जो गैप है वो 2.8 का है,
भाई गैप आपका 3 से ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ 2.9 तो यही है। आप इतनी सी अंडरस्टैंडिंग पे ये बता सकते हो कि आपका जो आंसर होगा वो 38.8% होगा। अब आप देखो कि इससे कितना टाइम आपका बचा, और मैं श्योर 100% श्योर हूँ कि आपको ये आपने ये पॉइंट नहीं पढ़ा होगा कहीं भी। अब आप देखो कि इसमें क्या है, अब वैसे अगर करना है आपको ऐसे पढ़ाया जाता है कि अगर मान लो 100 नंबर अपनों ने मान लिया, अब मैं आपको इसका मेथड भी बता देता हूँ क्या है। ये 100 है, अगर 20% का मैं डिस्काउंट दूँ तो 20 मेरी वैल्यू कम हुई, ये कितना हुआ 80। 80 का मैं अगर 10% और कम करूँ तो ये मेरी वैल्यू हुई, यहाँ से 8 कम हुआ, ये हो गया 72। क्लियर है? 72 का मैं 15% कम करूँ, 15% कम करने का मतलब क्या हुआ, देखो 10% तो हुआ इसका 7.2, और 5% उसका आधा कर दो 3.6, तो दोनों का अगर मैं ऐड करूं तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 10.6। कैसे, ये देखो आप 10% 7.2, 5% और उसका 72 का आधा कितना 36, 3.6, अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो रिजल्ट कितना हुआ 10.6। अगर मैं इन सारी वैल्यू को ऐड कर दूं इसको तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 38, यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका 6%, ये देखो 38.6%। इस ऑप्शन में एक सेकंड रुको, आप देखो, आप एक सेकंड, 15% आपने, देखो इसका मैं यहाँ रफली बताता हूँ कि 10% 7.2, 5% इसका आधा कितना हुआ 3.6, अगर अपने इसको ऐड करें तो यहाँ 10.8 आएगा, यहाँ कितना आ गया 8, अगर आप इसे ऐड करोगे तो इस जगह पर जो अपना आंसर आएगा वो आएगा 38.8%। तो यहाँ से अपना ये बता दिया कि अपना जो आंसर है वो 38.8 है। लेकिन अब आप पॉइंट को समझो, मैंने आपको ये बात बोली थी कि आप इसके ऑर्डर को बदल सकते हो। देखो ऑर्डर को बदलने का मतलब क्या है, अब आप सोचो कि जब कैलकुलेशन अपने को करनी है 20, 10 और 15, अब जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको फिट कर लेना दिमाग के अंदर, जब भी किसी क्वेश्चन में 10% आ जाए उसको लास्ट पे रखना है अपने को, क्योंकि लास्ट किसी भी वैल्यू को, मान लो आपके पास 87 आया, 72 आया, उसका 10% निकालना इजी है। तो अपने पास चॉइस है, सबसे पहले आप 20 ले लो फिर 15 ले लो, चाहे आप पहले 15 ले लो चाहे 20 ले लो, कैसे मर्जी ले लो, आपका आंसर ही आएगा, लेकिन वो उससे फास्ट आएगा। पहले अपने लेते हैं 15%, तो मैंने सबसे पहले नंबर लिया 100, चाहे आप 20 ले लो, आपकी इच्छा है, 15% ले लिया, 15% अगर अपने डाउन करेंगे यहाँ से ये रिजल्ट हुआ 85। अब अपनों ने नंबर लिया सेकेंड 20%, अगर 20% अपने ले, ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि डिस्काउंट में अगर सीक्वेंस बदल दें तो ओवरऑल रिजल्ट पर किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ता। 20% पांचवा हिस्सा, इसका पांचवा हिस्सा कितना हुआ, इसका पांचवा हिस्सा हुआ 17, अगर मैं 17 कम करता हूं तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका, ये हो गया 15, 7, 8, 7 और एक कितना हुआ 6, इसका मतलब 10% मेरा लास्ट में नंबर ले लेता हूँ मैं, 10% अगर मैंने नंबर लिया यहाँ से तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया 6.8। अगर मैं इसको ऐड करूँ ये कितना आया 32 और 6 38, देखो आपके पास आंसर आ गया है, ये भी आपका माइनस में ही है। अब आप सोचो कि अगर हमें ये पता है कि सिक्वेंस बदलने पर आंसर आपका सेम रहता है तो टफ वाले नंबर को पहले लेंगे, इजी वाले को लेंगे बाद में। अब आप समझ गए होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। आप देखो, अब आपका यहाँ एक डाउट होगा, मैंने कहा ना आपके डाउट पहले मैं बता दूंगा कि अगर मान लो नंबर आपके फ्रैक्शन में होते हैं तो कैसे करेंगे। बात सही है, सोचने वाली बात है। देखो आप इसमें क्या लिखा हुआ है, 12.5%, 11 से 1/9 और 10%। अब इस केस में अगर अपने टोटल करें, देखो 12 और 11 कितना हुआ आपका 23, 23 और 10 33, लगभग 33% हो गया। अब हमें पता है कि अपना जो आंसर आएगा वो 33% से कम आएगा, ये कन्फर्म हो गया। अब 33% से मान लो कि ऑप्शन में सारे ऑप्शन 33% से कम है, अब वहाँ तो इंटीजर वैल्यू थी जैसे 10, 20, 15 ऐसे थे, यहाँ फ्रैक्शन में है, उस सिचुएशन में क्या करेंगे, अपने x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 से करेंगे तो भी टफ होगा, 100 मान के करोगे, देखो 100 का 12.5%, फिर उस वैल्यू का आप निकाल रहे हो वो भी टफ होगा। इस सिचुएशन के अंदर क्वेश्चन को फ्रैक्शन फॉर्म में बदलना समझदारी है। 12.5%, देखो 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में लिखवाए थे रिजल्ट, क्योंकि अगर आप इनटू 100 करोगे, 100 को 8 से डिवाइड करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। इसका मतलब 8 वाली वैल्यू 1 के डिस्काउंट के बाद किस में चेंज हुई, 7 में। जब भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में होगा आप उसको इस तरीके से करोगे। सेकंड पॉइंट देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% का मतलब क्या होता है, 1/9, इसका मतलब 9 रुपये वाली वैल्यू 1 के डिस्काउंट के बाद किस में चेंज होगी, 8 में। तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है, 10%, तो क्लियर है हर बच्चे को 1/10 होता है, इसका मतलब 10 वाली वैल्यू 1 के डिस्काउंट के बाद किस में चेंज होगी, 9 में। अब अपने को इसको सॉल्व करना है, देखो इससे सॉल्व कैसे करेंगे,
अब आप देखो यहाँ अपने को मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ आपको पता है मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। आप पहले सॉल्व कर लो, देखो ये आपस में कट गया, देखो ये कट गया, ये नंबर कट गया, ये कट गया, आपके पास फाइनल क्या बचा, फाइनल बचा 10 और इस जगह पर बचा 7। अब देखो स्टार्टिंग का पहला एग्जांपल, आप ऐसे मानो कि आपके 10 में से 7 नंबर आए, कितने परसेंट आए, इसको 100 बना लो, एक जीरो चिपका दो, एक जीरो चिपका देंगे, कितना आ गया 70। अब डिस्काउंट कितना हुआ, इनके बीच का गैप कितना हुआ 30%, और यहाँ देखो अब 33% से कम भी आ रहा है। इसका मतलब अपने को यहाँ 100 बनाना है, तो रेशियो है जितना मर्जी बढ़ा दो, आप एक जीरो यहाँ लगा दो, एक जीरो यहाँ लगा दो, इन दोनों के बीच का गैप कितना हुआ 30%, इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा आंसर। कहने का मतलब जब भी क्वेश्चन में फ्रैक्शन लिखा हो उसको आप इस पैटर्न पे करोगे, बाकी आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि किसी वस्तु का मूल्य सबसे पहले 20% बढ़ाया जाता है, उसके बाद सेम नंबर 20% कम कर रहे हैं, ओवरऑल आपको इफेक्ट बताना क्या है। ये एग्जाम में काफ़ी आता है क्वेश्चन, कंसेप्ट्स मैं आपको सारे बता रहा हूँ, इस बेस पर आपके पास कोई भी शीट हो, कहीं से आप पढ़े हुए हो, आप अपनी शीट कर लेना, आपके लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इस बेस पे देखो आप क्या है क्वेश्चन, 20% की बढ़ोतरी और 20% की कमी का मतलब क्या है कि अगर अपने 100 मान के क्वेश्चन सॉल्व करें, मान लो कि मैंने नंबर माना 100, फिर इसका मैं डायरेक्ट रिजल्ट भी बताऊंगा, 20% की कमी, 20 कम होगा ये कितना होगा 80, 20% की बढ़ोतरी है इसके अंदर, देखो आप बढ़ोतरी है तो इसका मतलब प्लस 20, तो ये नंबर हो गया आपका 120। अब अपने कह रहे हैं कि 20% की कमी है, अगर कमी है तो ये कितना हुआ 24। अब आप ओवरऑल देखो, आप यहाँ कम करके भी लिख सकते थे, यहाँ भी लिख सकते थे, यहाँ से -24 और प्लस के 20, अपने को ये कन्फर्म हो गया कि अपना जो आंसर आएगा वो 4% कमी का आएगा। अब देखो दूसरा पॉइंट अभी आपको समझाता हूँ, हमें ये भी पता है कि इसके सिक्वेंस को हम बदल सकते हैं, इसके सिक्वेंस को आप बदल सकते हो, इसका मतलब अगर मैं 20% पहले कमी का करता और बाद में मैं अगर 20% बढ़ा दूं तो भी मेरा रिजल्ट यही आएगा। लेकिन ये पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है आपको, देखो कैसे, अगर 20% मैं कमी करता हूँ तो 20% की कमी करने पर ये रिजल्ट हो गया आपका 80, 20% की यहाँ कमी होगी, इसके बाद यहाँ नंबर कितना आ गया 80। अगर मैं 20% यहाँ नंबर बढ़ा दूँ तो 8 × 2 = 16, ये कितना हो गया 16, ओवरऑल रिजल्ट देखो यहाँ कितना हो गया -4, तो यहाँ भी रिजल्ट कितना आ गया -4। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम में ना तो इसको फॉलो करना है ना इसको करना है, अब इस सिचुएशन में आपको क्या फॉलो करना है, आप इसका पैटर्न समझो, अपनों ने ये समझा था x + y + xy/100, इस पर रिजल्ट डिस्कस करेंगे। दो वैल्यू की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर सेम है, अगर 20% बढ़ा रहे हैं तो ये हो गया 20, कम कर रहे हैं तो ये हो गया -20, उस सिचुएशन के अंदर ये नंबर तो कट जाएंगे, प्लस और माइनस ये कितना हुआ -20 × 20/100, इसका मतलब ये आपस में कट गया तो ये रिजल्ट हो गया 4% का, यहाँ क्या हो जाएगा डिक्रीज अपना आंसर आएगा। अब आप समझो कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, अगर ये दोनों नंबर सेम है तो ये हमेशा कैंसिल होंगे, प्लस माइनस आपको शो करेगा माइनस, मतलब डिस्काउंट दिए गए नंबर के स्क्वायर को किससे भाग दे देंगे 100 से। अब इसकी मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, देखो कैसे। मान लो कि किसी क्वेश्चन में लिखा है, आप अपनी शीट करना, आपकी शीट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, मान लो कि क्वेश्चन में लिखा है 10% की वृद्धि और 10% की कमी, तो ओवरऑल रिजल्ट बताना है, आप क्या करोगे 10 का स्क्वायर 100/100, 1% का लॉस। आप डायरेक्ट यहाँ बता सकते हैं कि 10 के स्क्वायर में किसका भाग दे देंगे 100 का, आपके पास आंसर है। देखो एक एक लाइन में क्वेश्चन, ये तो आप मन ही मन में इसे टिक कर सकते हैं। अभी जैसे एक क्वेश्चन आया था उसके अंदर लिखा था 23%, ये सीपीयू का क्वेश्चन है, क्योंकि सीरीज मैंने करवा रखी है, मुझे ध्यान है कि कौन सा क्वेश्चन आया इस 23%। अब 23 का स्क्वायर कितना हुआ 529, 529 में अगर मैं 100 का भाग दूँ तो मेरा जो आंसर आएगा वो 5.29% क्या आएगा, ओवरऑल क्या होगी कमी 23 का स्क्वायर। मैंने कहा ना 30 तक के स्क्वायर और 15 तक के क्यूब याद होने चाहिए। अब देखो प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मान लो 40-40 लिखा है 1600/100, 16% हो गया। अगर यहाँ मान लो लिखा है 60-60, 3600/100, 36% हो गया। आप डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी का थोड़ा एडवांस बताता हूँ क्या है। ये कह रहा है किसी वस्तु की जो कीमत है वो 75 है, उसमें सबसे पहले 20% की बढ़ोतरी और 20% की कमी हुई, तो आपको ये बताना है कि बाद वाला रिजल्ट उसका क्या होगा, उसका वर्तमान मूल्य बताना है कि अब जो है चेंज होने के बाद। पहला तो वही कंसेप्ट जो भी मैंने आपको समझाया, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, सेम नंबर है देखो, 20% की बढ़ोतरी 20% की कमी,
तो आप ये कह सकते हो कि ओवरऑल 400/100 मतलब 4% का हुआ लॉस, 4% का यहाँ क्या हुआ लॉस। अब आप सोचो कि 4% 75 का 4% 300/100 मतलब 3 रुपये का लॉस हुआ। इसका मतलब 75 में अगर मैं 3 कम कर दूंगा तो मेरा जो फाइनल आंसर यहाँ आएगा वो क्या होगा, 72 इस क्वेश्चन का हो जाएगा अपना आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन बना के भी कर सकते थे। कैसे, ये तो वो तरीका होगा जो मैंने अभी आपको समझाया। दूसरा क्या है, 20% 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5, यहाँ क्या है पॉजिटिव है तो 5 से वैल्यू हुई 6, प्लस है तो इंक्रीज, 20% डाउन, 20% डाउन का मतलब -1/5, ये हुआ 5 से हुआ 4, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हुई, यहाँ से 25, यहाँ से कितनी होगी 24, ऐसे भी कर सकते थे। इसने कहा कि शुरुआत के अंदर ये वैल्यू कितनी है, 75, कितना हुआ इंटू 3। अब आपको बताना है 24 इंटू 3, अब जो रिजल्ट हुआ वो कितना हुआ, 72 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16 से 2/3% बढ़ जाती है। क्वेश्चन में फ्रैक्शन लिखा हुआ है, अभी मैंने आपको बोला था कि फ्रैक्शन है तो आपको क्वेश्चन को क्या करना है, आपको फ्रैक्शन फॉर्म में बना के करना है, ना कि एक्स प्लस वाई वाले पैटर्न पे करना है। देखो 16 से 2/3%, ध्यान से समझना अब आप, हमें यह पता है कि ये रिजल्ट 1/6 होता है। अब जिस बच्चे को नहीं पता, 48 और 2 50/3 × 1/100, 100 में 50 का भाग देंगे 2, 3 और 2 हो गया 6, वैसे ये बेसिक है, हर किसी बच्चे को पता होगा। अगर मैं बात करूं इसके बाद बढ़ जाती है, यहाँ बढ़ने की बात कर रहा है तो यहाँ क्या आ गया प्लस, शहर की जनसंख्या पहले साल, दूसरे साल 37% बढ़ जाती है। मैंने अभी आपको यहाँ अलग से लिखवाया था कि 12.5% 1/8 होता है, 37% उसका 3 × 3/8, ये ऐसे रिजल्ट हैं जो बार बार यूज़ होंगे, ये हो गया प्लस। तीसरे वर्ष 57 1/7% कम हो जाती है। देखो 1/7 होता है 14 से 2/7, 14 से 2/7 को अगर मैं 4 बार गुना करूंगा, 14 × 4 = 56 और 8/7 अगर मैं ऐड करूं तो ये रिजल्ट हो गया मेरा 4/7, ये हो जाता है कम, 4/7 हो गई। अगर आपको ये ध्यान नहीं है तो आप मल्टीप्लाई कर लो इसे और × 1/100 करके कर लेंगे। लेकिन ये कैसे रिजल्ट हैं, देखो आप 1/11 तक तो आता ही आता है, 66 से 2/3 2/3, 37.5 3/8, 57 1/7%, 4/7, ये मैक्सिमम पूछे जाते हैं। अब आप देखो कि अगर पहले साल बढ़ता है तो रिजल्ट हुआ 6 से 7, ये आ गया 6 से 7, फिर बढ़ता है 3 8 से 11, फिर ये कम हुआ 7 से 4 कम हुआ तो ये रिजल्ट हुआ 3। अगर इसे सॉल्व करें तो ये आपस में कट गया, ये आपका यहाँ कट गया, ये रिजल्ट कितना हुआ 16 और ये रिजल्ट हुआ आपका 11। अब ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर वर्तमान जनसंख्या आपको ज्ञात करनी है, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या ये है। देखो समय के अनुसार 3 वर्ष बाद तो ये होगा वर्तमान वाला, अपने को ज्ञात करना है। अगर मैं 11 की वैल्यू देखूं तो मेरे पास जो रिजल्ट दे रखा है वो दे रखा है 187132, 187132। अब आप देखो 11 × 1 11, ये हो गया 11 × 7 कितना हो गया 77, दो वैल्यू लेंगे तो 0, ये कितना हो गया आपका 11 11 × 2 = 22, 17 0 12 को अगर मुझे 16 से मल्टीप्लाई करना है, 16 को 12 से मल्टीप्लाई किया 192, 16 को 16 से किया 256 और 16 अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा रिजल्ट आ गया 272, ये मेरा यहाँ फाइनल आंसर कितना आ गया 272 192। अब आप दिमाग लगाओ कि एक बार आप इसे नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप इसे, इसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखो अब मैं आपको इसका दूसरा पैटर्न समझाता हूँ क्या है। देखो ये तो सारे ही कर लेंगे, हाँ ये तो हमें भी पता कि ऐसा कर लेंगे, अब नया पैटर्न समझते हैं। देखो क्या है कि कैसे आप ऑप्शन हटा सकते हो। देखो आप इसने रिजल्ट दिया बाद वाला, अब बिना किसी कैलकुलेशन के टिक करेंगे, बाद वाला रिजल्ट दे रखा है 187, ये वाला रिजल्ट आपको दे रखा है 187132, 187132 दिया हुआ है और ये वाला आपसे पूछा है। अब आप दिमाग लगाओ कि ये 11 जो है, पहली बात तो जनसंख्या पॉइंट में तो आएगी नहीं, नॉर्मल सी बात है, आपका आंसर 16 का मल्टीपल होगा, 16 का मल्टीपल होगा तो 16 के अंदर 4 भी आएगा, 4 × 4, अगर मैं 4 के हिसाब से देखूं तो मेरे लास्ट के 2 डिजिट आपके 4 से डिवाइड होने चाहिए। देखो ये समझ लेना आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ आपको, लास्ट 2 डिजिट्स किससे डिवाइड होने चाहिए, 4 से।
इंटेलिजेंट बच्चे इसकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो क्वेश्चन को सॉल्व करना पसंद नहीं करते। अब लास्ट के दो डिजिट देखो आप, पहला ऑप्शन देखा 92 में चार का भाग जा रहा है, चार दुनिया आठ, चार तीय बारह सही है, 32 में जा रहा है सेकंड भी सही है, तीसरा 42। ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ मेरा पहला ऑप्शन भी राइट है, दूसरा भी राइट है। अगर मैं तीसरे की बात करूँ 42 में नहीं जा रहा रिजेक्ट, चौथा 47 रिजेक्ट। अब इन दोनों में से कोई एक सही होगा। अब ये तो हो गया, आपने एक कॉमन सेंस से बता दिया कि मल्टीपल के हिसाब से। अब दूसरा मैंने आपको देखो उस दिन भी कैलकुलेशन के अंदर एक पॉइंट बताया था, लास्ट डिजिट, लास्ट की टू डिजिट मल्टीपल और अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब अपनों ने क्या किया, मल्टीपल से आपने दो ऑप्शन रिजेक्ट कर दिए, अब अपने अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करके दूसरा रिजेक्ट कर देंगे। कैसे, देखो 11 से 16 चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि 11 में अगर मैं इसका आधा करूँ 5, 5.5 हुआ, इसका मतलब अगर मैं इसका आधा इसमें जोड़ दूँ, लगभग आधा, अप्रोक्सीमेशन लगभग होता तो मेरा आंसर आएगा। अब देखो 187,000, आप इसको 180,000 मान लो, अगर मैं इसमें 90,000 ऐड करता हूँ तो मेरा जो आंसर होगा 18 और 9, मेरा आंसर 27 से स्टार्ट होगा, 270,000 के आसपास। अब आप देखो आपको ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है 272,000, सेकेंड ऑप्शन आपका कह रहा है 568,000, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका रिजेक्ट हुआ। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका बिना किसी कैलकुलेशन के अपने बता सकते हैं कि ये हमारा क्या है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका क्वेश्चन है किसी रेक्टेंगल की लेंथ को अगर 20% इंक्रीज कर दिया जाए, इंक्रीज की बात कर रहा है, और उसकी ब्रेथ अगर उसकी चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके एरिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब आप सोचो, पहले अपनों ने क्वेश्चन डिस्काउंट किए गए थे, उसी कंसेप्ट पर आप यहाँ भी प्लस कर रहे हो, यहाँ भी प्लस कर रहे हैं, तो अपने इन दोनों को ऐड किया, अपना आंसर जो आएगा वो 30% से ज़्यादा आएगा। देखो कन्फ्यूज़ नहीं होना, वो पहले वाले क्वेश्चन आपके डिस्काउंट के थे, 30 से ज़्यादा आएगा। तो इसके ऑप्शन रीड करो आप, इसके ऑप्शन अपनों ने पढ़े कौन कौन से हैं, एक तो 30% लिखा हुआ है, एक 32 लिखा हुआ है, एक आपने 40 लिखा हुआ है, और एक कितना है 25। इस कंसेप्ट पर अपने ये बता सकते हैं कि हमारा ये और ये ऑप्शन हो गया आपका रिजेक्ट, क्योंकि 30 से आंसर ऊपर आएगा। अगर ये है तो दिमाग ये कहता है कि नंबर आपके नॉर्मल है, अगर नंबर नॉर्मल है तो आप x प्लस वाई वाला यूज़ करो, फ्रैक्शन होता तो अपने दूसरे तरीके से यूज़ करते, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये आपका यहाँ फाइनल आंसर कितना आ गया, ये आ गया 30 और 2, 32% इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। अब यहाँ क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में आता है कि सर लेंथ ब्रेथ और अगर हाइट होता और क्वेश्चन क्यूबॉइड का होता, घनाभ का होता, ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन घनाभ का भी हो सकता है, तो जहाँ तो आप इसको 32 को आगे मान लो 10 और आगे 10 और लिखाओ, ऊंचाई 10% बढ़ा दी जाए, तो 32 को आप x मान लो, 10 को आप y मान लो, उस हिसाब से कर लो। यहाँ क्वेश्चन में क्या है, आप फ्रैक्शन बना के भी कर सकते हैं, तो मैं फ्रैक्शन वाला समझा देता हूँ कि अगर आपके पास कोई वॉल्यूम वाला क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे कर सकते हैं, दोबारा से समझ लो आप। अगर यहाँ हाइट लिखा हो और घनाभ का क्वेश्चन हो, तो अब सेकंड स्टेप में ये आपका एक्स हुआ, वो 10 आपका वाई हुआ, इसमें पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। या आप फ्रैक्शन बना लो इसका, देखो 20% की वैल्यू कितनी हुई, 1/5, मतलब 5 से वैल्यू इंक्रीज हुई 6, 10% 1/10, ये तो नॉर्मल है, ये तो आप कर सकते हैं, 10 से कितना हुआ 11। अब यहाँ आपकी चॉइस है, आप इसे सॉल्व करो चाहे मत करो, ये कितना हुआ 50 और ये कितना हुआ 66, दोनों के बीच में वैल्यू कितनी है 16। मुझे ये पता कि अगर मैं इस तुलना वाले को 100 बना दूं तो ये मेरा परसेंटेज में लिखा जाएगा, ना कि आप इसे 16/50 इंटू 100 करो, ये कितना हुआ इंटू 2, और यहाँ से इंटू 2 करने पर फाइनल आंसर आपका कितना आ गया, 32% इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ तक तो सेम ही था, अगर अपने बात कर रहे थे क्यूबॉइड की, अगर 10% और होता तो यहाँ क्या करते, 10 से 11 और लिख देते, तो इन सबका कंप्लीट मल्टीप्लाई करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 9 नंबर क्वेश्चन। इस तरह के पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन आपको काफ़ी मिलेंगे, पॉपुलेशन वाले या जैसे प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है ये। ये कह रहा है किसी संपत्ति का मूल्य जो है हर साल 10% कम हो जाता है, 10% कम हो रहा है, और यहाँ भी क्या हो रहा है 10% कम हो रहा है, उसके बाद वर्तमान मूल्य इसका 8100 है, तो 2 साल पहले का मूल्य आपको बताना क्या है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, जैसे अभी फ्रैक्शन से अगर अपने करें तो 1/10, मैं दोनों तरीके बता देता हूँ आपको, ये 10 से 9 हुआ अभी जो आपको बताया था, ये भी 1/10, ये भी हुआ 10 से हुआ 9, ये रिजल्ट कितना हुआ 100 और ये हुआ 81। देखो यहाँ बच्चे को मैंने क्वेश्चन क्यों लिया है कि बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम ये रहती है कि टाइम कौन सा रखें। देखो अगर ये कह रहा है कि मान लो वर्तमान ये है 2 साल बाद का बताओ, तो इसका मतलब ये 2 साल बाद का है,
अगर ये करें आज ये है तो आप 2 साल पहले का बताओ, तो इसका मतलब आज ये है 2 साल पहले का, इसका मतलब समय के अकॉर्डिंग आएगा। सबसे पहले आएगा पास्ट, फिर आएगा आपका प्रेजेंट, फिर आएगा फ्यूचर। बात समझ गए होंगे। अगर मान लो पहले का और बाद का दिया जाए तो ये पहले का होगा और ये बाद का होगा, समय के अनुसार बातें चलेंगी। अब क्वेश्चन की लाइन पढ़ो, ये करो 2 साल पहले का बताओ आप, 2 साल पहले मतलब ये आएगा 2 साल पहले का, कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। ये करो ये वाला रेट 8100 है तो इसके आगे 0 लगा दो आप, अगर ये 8100 है तो 0 लगा देंगे। यहाँ अपना आंसर कितना आ गया, हमारा फाइनल आंसर इसके अंदर कितना आ गया, 10000 इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। अब दूसरा तरीका क्या है, अगर इस क्वेश्चन को अपने को ऑप्शन से करना होता, इस क्वेश्चन को किससे करना होता, ऑप्शन से, ऑप्शन, ये भी स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। अब आप बताओ कि 2 बार वैल्यू डाउन होने के बाद अगर उसका जो रिजल्ट है वो 8100 है, वैल्यू डाउन हुई उसके बाद रिजल्ट, यहाँ भी वैल्यू डाउन हुई, यहाँ भी डाउन हुई, उसके बाद का रिजल्ट अगर 8100 है तो पहले वाला रिजल्ट आपका 8100 से तो ज़्यादा ही आएगा, ये कन्फर्म है। नॉर्मल सी बात है भाई, ज़्यादा होगा कम होके तो 8100 पे आया। अब पहला अगर मैं ऑप्शन देखूँ तो मैं 10000 को होल्ड पे रख सकता हूँ, 10000 पहला ऑप्शन मेरा राइट है। अगर मैं दूसरे पे ऑप्शन पे जाऊँ, 90/100 × 8100, अब 90/100 को सॉल्व करो, देखो 9/10, अगर नीचे की वैल्यू ऊपर से ज़्यादा है तो वो रिजल्ट 1 से कम होता है, वो 0.9 हुआ। अगर किसी वैल्यू को अगर 1 से कम पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू डाउन हो जाएगी, इसका मतलब ये रिजल्ट 8100 से कम आएगा। अगर नीचे की वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से ज़्यादा है तो वो रिजल्ट ओवरऑल वैल्यू को कर देगा डाउन। अगर मैं तीसरे वाले पे देखूं, तीसरा ऑप्शन मेरा क्या है, तीसरा ऑप्शन है 100/110, ये भी नीचे वैल्यू ज़्यादा है, ये भी रिजल्ट को क्या कर देगी, डाउन, क्योंकि 8100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। चौथा ऑप्शन मेरा क्या है, 9801, ये भी इसको होल्ड पर रख सकते हैं। अब आप सोचो 9801 और यहाँ अपने पास क्या है, 10000, इन दोनों में से ईजी कौन सा है। अब आप सोचो 10% को अगर अपने 9801 पर कॉमन सेंस लगाओ, अगर आप उसका 10% अगर लगाओगे तो वो कभी भी आपको इंटीजर वैल्यू में रिजल्ट नहीं देगा 8100, वो पॉइंट के अंदर शो होगा। इस कॉमन सेंस पे आप इसे रिजेक्ट करके इसे मार्क कर सकते हैं। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप क्या है। ये कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। अब आपको नया कंसेप्ट समझा रहा हूँ, देखो क्या है, ए की आय ये है, बी की आय आप कैसे करते हो, 10% अधिक है, आपने इसे ले लिया, नंबर ले लिया, मान लो 10% को अपने लिखा 1/10। अब इसमें नया पॉइंट समझेंगे, ये 10 है, ए की आय ज़्यादा है तो ये कितनी है, 11। अब ये कह रहा है बी ए से कितना कम है, देखो आप ये कितना कम है, 1 कम है तो अपने लिख दिया 1/11। अब इंटू 100 करोगे तो ये 9/11% अपना आ गया आंसर। अब पॉइंट समझो, अपने को एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना, इस क्वेश्चन को मौखिक कैसे कर सकते हैं डायरेक्ट, देखो इसका दूसरा कंसेप्ट समझो कि अगर क्वेश्चन में लिखा है 10%, 10% आते ही आपके दिमाग में आएगा 1/10। अब दूसरा एक वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो दूसरा नंबर उससे कम होगा, कम होगा तो प्लस की जगह यहाँ आएगा माइनस, ये दोनों नंबर रहेंगे सेम, ऊपर वाला नंबर। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं, पहले 1 इन दोनों को जोड़ दो आप, ये कितना हो गया 11, तो आप डायरेक्ट यहाँ बता सकते हैं कि आंसर कितना होगा, 9 से ही 1/11% होगा कम। अब मैं कुछ प्रैक्टिस करवाता हूँ इसकी क्या है, और आगे के क्वेश्चन में आपको ये क्लियर होगा, ये इससे की तुलना में बहुत फास्ट रिजल्ट देगा आपको। देखो जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा है कि ए की आय बी की आय से मान लो 25% ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है, ज़्यादा वाले कर रहे हैं तो प्लस 1/4, प्लस की जगह तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है तो प्लस की जगह माइनस, ये नंबर आपका सेम, 4 और 1 कितना हुआ 5, आप डायरेक्ट बता सकते हैं 20% इसका आएगा आंसर। अब मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा है कि ए की जो एज है, आय या आयु या कुछ भी मान लो, वो 16/3% ज़्यादा है, 16/3% ज़्यादा है तो ये कितना हुआ प्लस 1/6, प्लस है तो माइनस 1, 6 और 1 कितना हुआ 7, यहाँ आप बता सकते हो 14/2/7% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऊपर का नंबर सेम रहना चाहिए। अगर मान लो यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 3/4 लिखा हुआ है, 75% है तो यहाँ 3 ही रहेगा, ये तो हो गया। अगर ज़्यादा है तो कैसे करेंगे, अगर मान लो कम वाला क्वेश्चन होता, जैसे नेक्स्ट नोट कर लो आप इसे एक बार, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे हो, जैसे कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कि ए की जो एज है वो बी से 10% कम है, अगर मैं 10% का एग्जांपल लूँ, ये वैल्यू 10% कम है, तो आप इसको कैसे करते हो, देखो आप इसे करते हो 1/10 या 100/90 ले जा सकते हो आप, ये हो गया 10, ये हो गया 9। क्वेश्चन होगा बी ए से कितना ज़्यादा है, देखो आप ये कितना ज़्यादा है, ये 1 ज़्यादा है तो आपने यह लिखा 1/9, फिर आपने इंटू 100 किया तो इसका फाइनल आंसर लिखा 11 से 1/9%,
इंक्रीज होगा, लेकिन अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो 10% कम है, आप इसको ऐसे करो, इस क्वेश्चन को 10% कम है तो इसका मतलब -1/10। अब इसको ध्यान से समझना आप, ये मैथ्स में कई जगह लगेगा, ये माइनस है तो दूसरा ज़्यादा होगा प्लस, ऊपर की वैल्यू सेम एक, अब 10 में से 10 और एक, इन दोनों को जोड़ दो आप, ये कितना आ गया 9। आप फाइनल बता सकते हो डायरेक्ट 11 से 1/9% क्या होगा, ज़्यादा होगा। प्रैक्टिस करते हैं, देखो जैसे ये क्वेश्चन तो आपने ले लिया, मान लो कि दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ए जो है वो बी से, मान लो क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है 20% कम है, 20% कम है, और ये तो एग्जाम में आपको लिखना ही नहीं, क्वेश्चन को आपको स्क्रीन पे पढ़ना है, 20% कम है तो आपका दिमाग ये कहेगा कि -1/5 की बात हो रही है, माइनस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस 1/, यहाँ कितना आ गया 4, तो दूसरा आंसर आपका कितना आ जाएगा 25% इंक्रीज होगा, ना कि आपको 100 बना के करना है, इसमें भी आपका टाइम इसकी तुलना में कम ही लगेगा, और ये मैथ्स में और जगह भी अप्लाई होगा, मैं अभी बताऊंगा आपको किस जगह पे लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 11 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहे हैं ए की एज बी से 25% कम है, मैंने अभी आपको बताया था दूसरी ज़्यादा बतानी है, 25% आते ही दिमाग में आपका आएगा -1/4, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देखो आप माइनस की जगह प्लस 1/3, 1/3 का मतलब कितना होता है 33 से 1/3% ज़्यादा होगा, ना कि आप 100 मान के करोगे, ये रिजल्ट हमेशा आपको फास्ट रिजल्ट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया है एज वाला, इसे ए बी रूल बोलते हैं, ए बी रूल, कौन सा रूल है ये, ए और बी, मतलब ए और बी में कंसेप्ट चल रहा था, इस बेस पे अपने और क्वेश्चन भी कैसे कर सकते हैं, जैसे स्क्रीन पे देखिए आप क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है यदि आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए, लेंथ को 10% कम कर दिया, बढ़ा दिया जाए, तो इसकी चौड़ाई को कितने परसेंट डाउन करें कि इसका जो एरिया है वो कांस्टेंट रहे, सबसे इम्पोर्टेंट देखो आप, एरिया जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, क्षेत्रफल फिक्स रहना चाहिए, अगर ये फिक्स है इसका मतलब एरिया जो होता है वो एल इंटू बी होगा एरिया, अगर ये पॉइंट आपका फिक्स है तो यही ए बी रूल जो अभी आपको मैंने बताया था वो यहाँ भी लगा सकते हैं, कैसे, 10% इंक्रीज है, 10% का मतलब देखो आप ये कितना हुआ प्लस 1/10, इसका मतलब आपका जो बी आएगा प्लस की जगह यहाँ क्या आएगा माइनस, सेम वैल्यू दोनों को जोड़ दिया, फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 9 से 1/11% आपका आंसर हो गया। आप क्या करोगे, आप इसे एक्स मान के करोगे, बढ़ाओगे, इससे बहुत ज़्यादा आएगा, मैं इसको वेरीफाई करवा देता हूँ आपको कैसे करना है, देखो चेक कैसे करेंगे कि आंसर सही है नहीं, एल को अगर आपने 10% बढ़ाया ये हो गया 10 से 11, अगर मैं बी को इसके अकॉर्डिंग अगर 11 से 10 करता हूँ तो ये 11 से 10 हुआ, अब देखो पहले वाला एरिया एल बी ये कट गया 110 110, 1:1 का मतलब क्या हुआ कि एरिया जितना था उतना ही वापस आपको मिला, नो चेंज, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि एरिया अगर आपका कांस्टेंट है तो इसी रूल को आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, सेम कंसेप्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, पहले अपनों ने क्या किया था एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, अब क्वेश्चन में लिखा है चीनी के मूल्य वाला और खपत वाला क्वेश्चन है, तो अपने को पता है प्राइस इनटू कंजम्पशन जो होता है वो एक्सपेंडिचर होता है, सेम पॉइंट है एल इंटू बी इक्वल्स टू एरिया, अब ये कह रहा है कि इसके प्राइस को 25% बढ़ा दिया जाए तो इसकी कंजम्पशन को खपत को कितने परसेंट डाउन करें कि खर्चा अपरिवर्तित रहे, एक्सपेंडिचर आपका जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे एरिया चेंज नहीं हो रहा था, तो सेम कंसेप्ट ए बी रूल, प्लस 1/4 प्लस की जगह माइनस, दोनों को जोड़ दो आप, आंसर आपका कितना आ गया 20% इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो एक ही कंसेप्ट पे आपके 3 पॉइंट कवर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए ये क्वेश्चन अभी TCS में भी आया है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि चावल के मूल्य में 25% की कमी होने के बाद भुवनेश 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक चावल खरीद पाता है, कमी के बाद चावल का मूल्य पर केजी बताना है। देखो प्राइस इनटू कंजम्पशन क्या हुआ है एक्सपेंडिचर, सेम क्वेश्चन है, एक्सपेंडिचर आपका फिक्स है, ये क्या है फिक्स, जो भी मैंने आपको बताया था कैसे रुपये वो 240 ही पहले भी खर्च कर रहा है, अभी भी 240 खर्च कर रहा है, अब क्वांटिटी ज़्यादा आ रही है क्योंकि रेट डाउन हो गया, अगर ये फिक्स है तो कैसे करेंगे प्राइस 25% डाउन, 25% डाउन होने का मतलब देखो आप -1/4, अगर ये कहता है कि खर्चा है परिवर्तित है, अब ये 240 की बात कर रहा है, अमाउंट दोनों साइड में सेम है तो यहाँ क्या होगा ये फिक्स हो गया, तो क्वांटिटी जो होगी, जो अगर यहाँ प्राइस इनटू कंजम्पशन की अगर मैं बात करूँ माइनस की जगह प्लस 1/3 ये कितना होगा 3, ये इंक्रीज होगा, ये रेशियो में इंक्रीज हुआ, लेकिन ये कह रहा है कि ये किसके बराबर है 2 किलोग्राम अधिक, ये 1/3 किसके बराबर है 2 के बराबर, यहाँ से 1 का मान कितना हुआ 6,
इसका मतलब एक जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि 6 किलोग्राम क्वांटिटी है। अब ये कह रहा है कि रेट डाउन होने के बाद आपने 2 किलोग्राम ज़्यादा खरीदा है, तो अब जो रेट खरीदा है वो कितना है, क्वांटिटी कितनी है 8। पहले कितने खर्च हो रहे थे 240, अब भी कितने खर्च हो रहे हैं 240। अब 240 को अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूंगा तो 8 किलोग्राम है ये, तो पर केजी का रेट 30 रुपये प्रति किलोग्राम हमारा क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी से मिलता जुलता है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार आई भी थे एग्जाम में। ये कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के बाद एक व्यक्ति 270 रुपये में 1 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद पाता है, रुपये 270 ही खर्च कर रहे हैं। तो सेम कंसेप्ट हुआ, प्राइस इंटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब ये कह रहा है कि 10% की कमी, अगर यहाँ 10% की कमी है तो ये कितना हुआ, माइनस का 1/10। तो यहाँ कंजम्पशन क्या होगा, माइनस की जगह प्लस 1/9। 1/9 जो है, जो इंक्रीज़ हो रहा है कंजम्पशन, वो किसके बराबर है, 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। इसका मतलब यहाँ से 1 का मान कितना हो गया 9। ये पहले वाला है ओरिजिनल। अब ये कह रहा है 1 किलोग्राम और अधिक खरीद पाता है, ये तो पहले वाला है क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ। अब वाली कितनी हो जाएगी, अगर मैं अब वाले में 1 जोड़ूँ तो ये कितना हो गया 10। लेकिन क्वेश्चन पढ़ो आप क्या लिखा है, प्रति किलोग्राम चीनी का स्टार्टिंग का रेट आपको बताना है। स्टार्टिंग वाला कितना, यही 9 है। इसका मतलब खर्च कितने कर रहा था 270, 270 में उसने 9 किलोग्राम ली, तो पर केजी का रेट यहाँ से कितना आ गया, 30 रुपये आपका आ जाएगा आंसर, क्योंकि इसने पहले की क्वांटिटी पूछी है, अब की पूछता तो आप डिवाइड करते 10 से 1 जोड़ने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 15 नंबर क्वेश्चन। एक सेकंड देखो आप, 16 नंबर क्वेश्चन है ये। ये कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि हुई, क्षेत्रफल में ओवरऑल कितना हुआ, 80% के इंक्रीमेंट हो रहा है, L इंटू बी कितना है A। अब लंबाई में 50% की वृद्धि हुई, अब ध्यान से समझना इसको, एरिया में कितना हुआ 80%, आपको ये बताना कि इसकी चौड़ाई में वृद्धि कितनी हुई। देखो अभी तक आपने जो क्वेश्चन किए हैं उस क्वेश्चन के अंदर एरिया आपका फिक्स रहता था, L इंटू बी या प्राइस इंटू कंजम्पशन जो होता था, एक्सपेंडिचर होता था। यहाँ आपका एरिया है चेंज। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, कैसे, पहले तो अपने नॉर्मल अगर फ्रैक्शन बना के देखें 50%, देखो अगर 50% का मतलब क्या हुआ, अगर अपने L को लिखें तो 1/2, तो इसका मतलब 2 से वैल्यू होगी आपकी 3, पहले 2 थी अब कितनी होगी 3, यहाँ B आएगा और यहाँ आएगा एरिया। 80% 20% कितना होता है 1/5, उसका 4 गुना कितना हुआ 4/5, या आप 80/100 करके देख लो, आप 80/100 से इंक्रीज़ हुआ, 5 से 4 इंक्रीज़ हुआ, तो ये कितनी वैल्यू होगी 9, 5 और 4 9। अब आप दिमाग लगाओ कि इन दोनों का मल्टीप्लाई ये नंबर होना चाहिए, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई ये नंबर है तो अपने को ये वाला नंबर चाहिए, तो इसका मतलब इसमें से ये वाला होगा डिवाइड। इसका मतलब 5 को मैं अगर 2 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 2.5 आएगा, जहाँ आप 5/2 भी लिख सकते थे। 9 को मैं अगर 3 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर आएगा यहाँ 3। अब आप देखो कि यहाँ से कितना इंक्रीज़ हुआ, ये आधा इंक्रीज़ हुआ। अब देखो ये आधा किस पर, 2.5 पर है, ये 0.5, ये कितना है 2.5, परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये कितना आ गया आपका 4। यहाँ से आप बता सकते हो कि आपका आंसर कितना आएगा, 20% इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। देखो इस क्वेश्चन को आप इस वाले तरीके से भी मत करो, इसके बजाय अब मैं आपको जो कंसेप्ट बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन का बेस्ट वे मैं आपको बता रहा हूँ, वही आपकी हैबिट में आना चाहिए, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को करने में यहाँ 20 सेकंड लग रहे हैं तो यहाँ क्वेश्चन करने में आपके 5 सेकंड लगेंगे, 1/4। कैसे, देखो अगर L इंटू बी आपका एरिया है तो ये सक्सेसिव केस हो गया, लगातार वृद्धि हो रही है, 50% हो रही है, तो हमने स्टार्टिंग में 100 मान लिया। अब आप देखो 100 में 50 बढ़ाया तो ये कितना हुआ 150, और 100 को 80 बढ़ाया तो ये कितना हो गया 180। इसका मतलब मुझे 150 से 180 जाना है बी के थ्रू, तो यह कितना इंक्रीज हुआ 30। 30 जो है वो 150 का पांचवा हिस्सा है, अगर ये पांचवा हिस्सा है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि इसका आंसर कितना आएगा 20%, क्योंकि 30/150 ये कितना हो गया 1/5। इसका मतलब आपका फाइनल आंसर है 20%, कब, जब क्वेश्चन में एरिया या प्राइस इंटू कंजम्पशन या एक्सपेंडिचर की वैल्यू लिखी हुई है, चेंजेस है तो आप ऐसे करोगे, अगर फिक्स है तो आप ए बी रूल से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी से मिलता जुलता है कि चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी होने पर कोई व्यक्ति अपने खर्चे में 8% की वृद्धि करता है तो खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन देखो उसी से मिलता जुलता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन कितना हुआ एक्सपेंडिचर,
चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी होने पर, ये 20% हुआ, कंजम्पशन में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, यहाँ आपको कमी बताना है, ओवरऑल आपको कितनी वृद्धि दे रखी है, 8%। देखो अब अपने को पता लग गया कि क्वेश्चन को 100 मान के करना है, क्योंकि वहाँ आप डिवाइड करोगे तो वहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा। ये कितना हुआ 120, ये कितना हुआ 108। देखो आप, इससे फास्ट वे कहीं नहीं मिल सकता आपको। 12 डाउन हो गया, 10वां हिस्सा हो गया इसका, 10% इसका क्वेश्चन का हो गया आपका आंसर। देखो अगर इस तरीके से आपकी हैबिट है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, हर चैप्टर जब तक आप जुड़े हैं, अपने को लगभग 3 महीने हो गए इस यहाँ वीडियो अपलोड करते हुए, कोई भी किसी भी रैंडम कोई भी आप वीडियो उठा के देख लो, कोई भी क्वेश्चन देख लो आप, 95% या 95% से भी ज़्यादा क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको 2 या 3 लाइन के अंदर मिलेंगे। अगर बच्चा पढ़ने वाला है और कंटिन्यूटी के साथ सारी चीज़ें वो पढ़ रहा है, 100% उसकी जॉब लगनी है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं अपने। देखो आप 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, अब ये क्वेश्चन आपका है इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग से रिलेटेड है। इसमें भी दो तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके आपको बताता हूँ, आपकी इच्छा, आप एग्जाम में कोई भी अप्लाई कर लेना। ये करें, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी इनकम में 20% की बढ़ोतरी और उसके खर्चे में 10% की बढ़ोतरी हो तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। देखो समझो पहले आप, इनकम जो है वो 2 पैरामीटर पे डिपेंड करती है, एक्सपेंडिचर और सेविंग। 75% खर्च करता है, 75%, देखो आप 100, 75 और 25 भी लिख सकते हैं, या 75% को आप पहले लिख दो, आप 75% को मैंने लिख दिया यहाँ 3/4, आपकी इच्छा आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब इस बंदे की इनकम कितनी है 4, इसका खर्चा कितना है 3, तो इसका मतलब इसकी सेविंग कितनी हुई 1। क्लियर है? अब ये कह रहा है कि उसकी आय में 20% की बढ़ोतरी होती है, इनकम में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है 20% की, खर्चे में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है 10% की, आपको सेविंग का रिजल्ट बताना है। इसमें क्या है, 3 पैरामीटर है, 1, 2, 3, किन्हीं 2 में चेंजेस करने के बाद तीसरा पूछा जा सकता है। देखो इन दोनों में चेंजेस करके ये पूछा जा सकता है, इन दोनों में चेंजेस करके ये पूछा जा सकता है, इन दोनों में चेंजेस करके ये पूछा जा सकता है। तो अपने क्या करेंगे, देखो 20% अगर आप बढ़ाओगे तो ये रिजल्ट आपका पॉइंट में आएगा, तो अपने क्या करेंगे इस नंबर को अपने एक रेशो और बना देते हैं, तो अपने ले लिया 40, ये ले लिया 30 और ये ले लिया 10। अगर फिर भी पॉइंट में आए तो आप यहाँ 400, 300 और 100 भी ले सकते हैं। 20% आपने बढ़ाया, 5वां हिस्सा, देखो 20% बढ़ाने पर ये नंबर कितना हो गया, ये आपने 20% बढ़ाया तो कितना होगा इसका 5वां हिस्सा, 8। 8 अगर आप इसमें इंक्रीज करोगे तो 48 हो गया, पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। या 20% बढ़ाने का मतलब क्या है, आप 120/100 कर दो तो भी 12 × 4 कितना हो गया 48। अब इसकी इनकम कितनी होगी 48। 10% बढ़ाया, 3 बढ़ गया तो ये कितना हुआ 33। अगर आपकी 48 रुपये इनकम है और 33 रुपये आप खर्च करते हैं तो इसका मतलब आप बचा कितना रहे हैं 15। अगर आप 10 से 15 आप आ गए तो इसका मतलब आपने जो बचत है वो कितनी बढ़ गई 5। 10 पे 5 बढ़ी तो 100 पे कितनी बढ़ेगी 50। अगर ये नंबर आपका 100 है तो ये परसेंटेज में लिखा जाएगा, तो आप आंसर बता सकते हैं 50%। कैसे, इसका मतलब कैसे है, 10 में कितनी बढ़ी 5, इसका मतलब 100, ये 100, इसका मतलब फाइनल आंसर आपका कितना आ गया यहाँ 50% इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। अब दूसरा तरीका देखो इस क्वेश्चन को करने का क्या है, दूसरा मेथड ये कि सबसे पहले आपने यही लिखा इनकम, मैं यहाँ लिख देता हूँ इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग, 75% 4, 3, 1, 0, 0, 0 यहाँ तक तो सेम है। अब ये करें 20% बढ़ा, देखो 20% मतलब 5वां हिस्सा, अगर मैं 5वां हिस्सा इसका बढ़ाता हूँ 20%, वो नंबर 4 × 2 कितना हुआ 8। मैं नई सैलरी नहीं लिख रहा, मैं उसके अंदर जो इंक्रीमेंट है उसको लिख रहा हूँ, ये कितना हुआ 8। यहाँ कितना बढ़ा 10%, अगर ये 10% बढ़ा तो ये कितना हुआ 3। अब आप सोचो अगर आपकी सैलरी 8 रुपये बढ़ी, उसमें 3 रुपये आपके बढ़े हुए में 3 रुपये आपके चले गए खर्च में, इसका मतलब आपके पास कितने बचे 5। ये 10 पे 5 बचे तो 100 पे कितने बचे 50। तो आप यहाँ आंसर बता सकते हैं 10 पे 5 तो 100 पे कितना हो गया 50% इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। आपकी इच्छा है, चाहे आप नया मान करके कर लो, चाहे आप इंक्रीमेंट के हिसाब से कर लो, जैसा आपको बढ़िया लगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, राजू की आय उसके खर्चे से 20% अधिक है। खर्चे से 20% अधिक है, 100 और 120 भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। जहाँ आप 20% को लो 1/5, इसका मतलब अगर इसका खर्चा है 5 तो ये 1 ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसकी इनकम हुई 6। अब 6 रुपये इनकम है, 5 रुपये आपके खर्च में चले गए, तो इसका मतलब आपने बचाए कितने, 1। अब ये कह रहा है कि अगर उसकी बचत में, अब आप देखो इसकी इंग्लिश पढ़ो आप, इनकम में 60% की बढ़ोतरी की जाए, इनकम में कितने परसेंट की बढ़ोतरी की जाए, 60% की, और खर्चे में कितने परसेंट की बढ़ोतरी की जाए, 70% की। तो आपको ये रिजल्ट बताना है कि उसकी सेविंग में कितना प्लस और माइनस होगा, ये क्वेश्चन है। तो दोनों तरीके से करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। 6 का 60% निकालने में प्रॉब्लम आएगी, तो अपनों ने 0 ले लिया, यहाँ भी 0 ले लिया और यहाँ भी 0 ले लिया। अगर मैं इसका 60% निकालूं तो ये कितना हुआ, 36 हुआ। 36 अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, 36, तो अगर इसका ऐड कर दें तो ये कितना हो गया, 96। 75% अगर आप इसका 35 इसमें ऐड करोगे तो ये नंबर हो गया आपका 85। 96 में अगर 85 माइनस करें तो ये कितना हुआ, 11। इसका मतलब यहाँ बढ़ोतरी कितनी की हुई, 1 की। इसका मतलब आंसर तो आपका बढ़ोतरी वाला आएगा, इसका मतलब आपका पहला और दूसरा ऑप्शन हो गया रिजेक्ट। अगर 1 10 10 पर 1 है तो इसका मतलब 100 पे कितना हुआ, 100 पे हुआ 10। ये परसेंटेज में लिखा जाएगा, फाइनल आपका आंसर कितना आ गया, 10%। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप इसका बड़ा हुआ मान ना लिखते, आप सिर्फ बीच का इंक्रीमेंट लिख दो, आप कैसे, इसी को मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, ये नंबर कितना है 60, ये कितना है 50 और ये कितना है 10। 60% की बढ़ोतरी, 60% अगर आप बढ़ाओगे तो ये लिखा जाएगा प्लस 36। 70% की बढ़ोतरी, इसका मतलब यहाँ नंबर कितना हुआ, प्लस के 35। नॉर्मल सी बात है, अगर आपकी 36 रुपये सैलरी बढ़ी, उस बढ़े हुए में 35 रुपये खर्च में चले गए, इसका मतलब आपकी सेविंग कितनी हुई, प्लस 1, जो बढ़ी, जो इंक्रीज हुआ। 10 पे 1 है तो इसका मतलब 100 पे क्या होगा आपका, 100 पे होगा आपका 10। फाइनल आंसर आपका कितना आ गया, 10% की बढ़ोतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, देखो पहले जो आपने क्वेश्चन किए उनमें सारे मान बढ़ रहे थे, 2 मान बढ़ रहे थे तो तीसरा पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि 1 बढ़ रहा है और 1 कम हो रहा है, तो कैसे करेंगे। ये कह रहा है एक व्यक्ति का आय 70% खर्च करता है, ये इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, आय खर्चा बचत, 70% खर्च करता है, 70% मतलब 7/10, इसका मतलब 10 का खर्च कितना हुआ, 7, तो इसका मतलब उसकी सेविंग कितनी हुई, 3। अब ये कह रहा है कि अगर उसकी इनकम 10% बढ़ दी जाए, इनकम 10% और खर्चा 7%, देखो अगर 7% निकालोगे इसका खर्चा 10%, तो ये पॉइंट में आएगा, तो अपने क्या करते हैं, 1 0 लगा देते हैं। देखो आप, आपके पास राइट है 0 लगाने के, क्योंकि ये रेशो है। इनकम को बढ़ाओ 30%, अगर मैं 30% बढ़ाता हूँ इसे, तो 30 बढ़ा तो ये नया कितना हुआ, 130, और यहाँ खर्चा 10% घट गया, खर्चा 10% घट गया, ये समझना अपने को, 10% घट गया तो 7 कम हो गया, तो ये कितना हो गया, 63। अब 130 रुपये में 63 खर्च हुए तो बचे कितने, 37 और 30, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 67। क्लियर है, देखो आप, क्योंकि इन दोनों का टोटल करोगे तो 130 आएगा। अब ये यहाँ से कितना बढ़ा, 37। अब आपको ये परसेंटेज में बताना है, 37/30 × 100, इसको सॉल्व किया तो रिजल्ट आया आपका 370/3%, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ आपका, सी। अगर आप, अब आपके मन में आता कि अगर दूसरा वाले तरीके से करते तो कैसे करते, देखो आप दूसरा मेथड समझो आप, क्योंकि इसमें क्या है, डिक्रीज हो रहा है। सेकेंड वाले तरीके से करें, यहाँ तक तो सेम ही है, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, ये कितना है 100, ये कितना है 70, ये कितना है 30, 30% बढ़ा, 30% बढ़ा तो इसका मतलब ये नंबर कितना हुआ, प्लस 30। 10% कम हुआ, 10% कम हुआ तो माइनस के 10, माइनस के 7, क्योंकि ये नंबर है। अब आप दिमाग लगाओ, इस 30 का जो अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इन दोनों का टोटल, इसका और इसका, इन दोनों का टोटल ये होना चाहिए,
क्योंकि अगर मान लो मेरे पास 10,000 रुपये एक्स्ट्रा हैं, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ यहाँ खर्च में 7,000 कर रहा हूँ, तो मेरी सेविंग 3,000 होनी चाहिए। इसका मतलब इन दोनों का टोटल ये नंबर आना चाहिए। अगर एक नंबर आपका -7 है, -7 में मैं कितना जोड़ूँ कि मेरे पास 30 आ जाए प्लस के 37, इसका मतलब यहाँ जो नंबर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, प्लस के 37। और ये प्लस के 37 जो बढ़ा हुआ मान है उसकी बात कर रहा है, वही आपको बताना है 30 के रिस्पेक्ट में कितना है। तो 37/30 100, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 370% / 3। ऐसे नोट कर लो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। अब 21 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति की इनकम जो है पर मंथ की 13,500 रुपये है, अगर वो खर्च करता है 9,000 रुपये, बाद में उसकी जो है वो सेविंग होगी, अगर उसकी इनकम में 14% की वृद्धि और खर्च में 7% की वृद्धि की जाए तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये क्वेश्चन है। देखो आप इस क्वेश्चन को और पहले वाले क्वेश्चन में देखो, अगर आपने कंपैरिजन करके देखें तो पहले वाले क्वेश्चन में आपको नंबर दे रखे थे परसेंटेज के अंदर कि वो अपनी इनकम का 70% खर्च करता है या 30% खर्च करता है, यहाँ जो नंबर दे रखे हैं वो एग्जैक्ट दे रखे हैं। हर कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, अगर एग्जैक्ट दे रखे हैं तो अपने कैसे करेंगे। सबसे पहले आप वैसे लिखो, इनकम ये क्या है, एक्सपेंडिचर, और ये क्या है, सेविंग। इनकम कितनी है, 13,500, खर्च कितना करता है, 9,000। अगर ये 9,000 पे खर्च करता है तो इसका मतलब इसकी बचत कितनी हुई, 4,500, क्योंकि आप अगर 13,500 में 9,000 माइनस करोगे तो 4,500। अब ये करें, इनकम में 14% की वृद्धि हुई, इसमें कितने की वृद्धि कर रहा है, ये 14% की, और खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है, 7% की। तो आपको ये बताना है उसकी सेविंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो कैसे करेंगे, अब आप दिमाग लगाओ कि अगर इस क्वेश्चन में इस नंबर का अगर आप 14% या आप 7% निकालने लग गए तो इसकी कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगी। अब कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगी तो अपने क्या करेंगे, अपने को पता है ये रेशियो है तो अपने इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। देखो ध्यान से देखो कि 2 जीरो कट होगी सब में, 45 का डबल होता है 90, और अगर मैं इसको 3 से गुणा करूं तो 135। इसका मतलब क्या है, 2 जीरो तो सब में कट होगी। देखो आप ये पॉइंट समझने वाला है, तो ये रेशियो बन गया आपका 1, ये कितना हुआ 2, और ये कितना बन गया 3। अगर मैं 3 का 14% निकालता हूं तो मेरा आंसर आएगा पॉइंट के अंदर, तो मैंने 1 जीरो लगा दी, 1 जीरो लगा दी, 1 जीरो लगा दी। फिर आप 30 का 14% निकालोगे फिर पॉइंट में आएगा, मैंने अभी आपको बताया था जीरो आप तब तक कंटिन्यू रखो जब तक कि आपको आंसर इंटीजर फॉर्म में ना मिल जाए। तो ये कितना आ गया 300, ये आ गया 200, और ये आ गया आपका 100। अब आप देखो कि पहले आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, फिर पॉइंट को इग्नोर करने के लिए आपने आगे जीरो लगा दी। अगर फिर भी, अब तो यहाँ 42 आ रहा है, अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप 1 जीरो और लगा सकते हैं। अब यहाँ से दो रास्ते निकलेंगे जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन जो करवाए हैं, जहाँ तो आप इंक्रीज वैल्यू वाला रिजल्ट कंसेप्ट ले लो, या वैल्यू 14% इंक्रीज करके नई सैलरी के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। अगर अपने इंक्रीमेंट के हिसाब से देखें, 14 + 3 = 42 आ गया रिजल्ट, 7 × 2 = 14, अगर 42 में से 14 माइनस करूँगा इंक्रीज वैल्यू तो यहाँ कितना आया 28, 100 पर 28 है, इससे तुलना आप 28 जो कर रहे हैं वो 100 ही है, इसका मतलब ये वाला जो नंबर है वो किस में लिखा जाएगा, परसेंटेज में। फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा, 28% इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट इसी पे एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग। क्वेश्चन को पढ़ो आप क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि 16,500 रुपये की इनकम में कितने खर्च करता है, ये खर्च करता है 11,000, अगर ये 11,000 पे खर्च करता है तो इसका मतलब बचाएगा कितना, इसमें से माइनस करो, ये कितना आ गया 5,500। अब आप देखो 2 जीरो कट होगी इसके अंदर, अगर मैं इसको रेशो बनाऊँ तो ये कितना हुआ 1, ये कितना हुआ 2, और ये कितना हुआ 3। अब क्या कह रहा है कि इनकम को कितने परसेंट बढ़ाना है आपको, 17% बढ़ाना है, खर्च को बढ़ाना है आपको 9%, तो बचत में आपको बताना है कितना प्लस माइनस होगा। अब आगे अपने को पता है 17 में प्रॉब्लम आएगी, 30 लिख देंगे, 30 में फिर प्रॉब्लम आएगी तो अपने लिखेंगे 300, 200 और 100। अगर आप 17% बढ़ाओगे इसका तो बड़ा हुआ नंबर आपको क्या दिखेगा, 51। बड़े हुए नंबर पे बात कर लेते हैं,
यहाँ कितना दिखेगा 18, अगर इसमें से ये माइनस करूँ तो ये कितना आ गया 3, 4 में से एक गया कितना हुआ 3, 33। इसका मतलब 100 में कितनी वैल्यू बढ़ी 33, और ये मान आपका 100 है, इसका मतलब ये रिजल्ट किस में लिखा जाएगा 33% इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। आप बढ़ाकर उसको नेक्स्ट नंबर 351, 218 के हिसाब से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, वो मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन टीसीएस में काफ़ी पूछे गए हैं। ये कह रहा है ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है, सी इन दोनों के टोटल से 65% कम है। ए बी की तुलना में 25% अधिक है, देखो 25% को आप लिखो 1/4, आप 100 और 125 भी लिख सकते थे, तो एक ज़्यादा है तो ये कितना हुआ 5। सी इन दोनों के टोटल से, इन दोनों के टोटल से कितना हुआ 9, 65% कम है। 65% कम का मतलब 35%, जैसे 70% कम है तो 30%, तो 35% अगर अपने को निकालना है तो 5% होता है 1/20, 35% 7 गुना, तो ये कितना हो गया 7/20। अब ये कह रहा है कि सी ए की तुलना में कितना कम है, सिर्फ ए और सी का कंपैरिजन कर रहे हैं, इस नंबर को आप यहाँ शिफ्ट कर दो, ये कितना हो गया 100 और ये नंबर कितना हो गया 63, इन दोनों के बीच का गैप कितना हुआ 37, 37 100 पे कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट किस में लिखा जाएगा, परसेंटेज में ही लिखा जाएगा। फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 37% क्वेश्चन का आंसर है। अब आपके सामने है, सबसे बेस्ट वे आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन देख लो आप, आपको अगर क्लियर है नेक्स्ट स्टेप में तो उसका आंसर होता है डायरेक्ट। ऐसा एक और करवाता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 24, ये ए बी और सी और डी पर है, आपने पहले लिख दिया ए बी सी डी। क्वेश्चन कह रहा है टोटल मार्क्स कितने हैं 500, ए को बी से 10% कम मिले, इसको इससे मिले 10% कम, बी को सी से 25% ज़्यादा, सी को डी से 20% कम, तो अपने डी से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको नंबर मिले 100, इसको 20% कम तो इसको मिले 80, 100 मान लो आप। अब ये बी को सी से 25% अधिक, 25% चौथा हिस्सा कितना हुआ 20, ज़्यादा 20 ज़्यादा तो फिर दोबारा से 100, और ए को बी से 10% कम, ये कितना हो गया 90, ये नंबर हो गए। अब ये कह रहा है कि ए को 360 अंक मिले तो डी की परसेंटेज आपको बतानी है 360, देखो 360 का मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 360। अगर 360 नंबर मिले, अगर ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो अगर इसके मार्क्स पूछे जाएं तो यहाँ मार्क्स कितने आ गए 400, लेकिन एग्जामिनर ने मार्क्स नहीं पूछे, परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज के लिए पहले इसका परसेंटेज निकालो आप। 360 का 500 के हिसाब से अगर मैं देखूं इनटू 100 करूं, क्योंकि टोटल मार्क्स कितने हैं 500 है, तो ये परसेंटेज आपकी कितनी होगी, ये हो गया आपका यहाँ से आ गया 72%, क्लियर है, 72% हो गया। ये 72% का मतलब क्या हुआ, अब देखो 360 72%, अगर मैं 400 का निकालूं 500 पर तो 400/500 × 100, ये नंबर कितना आ गया 80%, आपका फाइनल आंसर क्या आ गया 80%। या फिर आप इसको ऐसे सोचो कि अपने को 500 में कितने नंबर देखने हैं 400, इसको अगर आपको ये नहीं लिखना, तो अगर ये नंबर आपका 100 है तो इसको 5 से डिवाइड करो, अगर इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 80%, नोट कर लो आप इसे। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि ये कह रहे हैं एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए, अगर 220 अंक लेके आता है तो भी वो 20 अंक से फेल हो जाता है, तो मैक्सिमम मार्क्स बताने क्या हैं। देखो एग्ज़ाम से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन होंगे, मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, तो उसमें तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से, अगर एग्जामिनर पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि अधिकतम अंक कितने हैं, दूसरा ये कहेगा कि उसने पास होने के लिए मार्क्स कितने चाहिए, तीसरा आपसे ये पूछेगा कि उसके जो मार्क्स आए वो परसेंटेज में कितने हैं। तो पहला नॉर्मल क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि तीनों अभी स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि कैसे करना है क्वेश्चन। 40% अगर वो नंबर लेके आता है 40%, तो वो 220 अंक प्राप्त करता है और 220 और 20 अंक से फेल होता है, इसका मतलब 40% वाला पास है। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 220+20, इसका मतलब यहाँ जो नंबर हुए वो कितने हुए 240, इसका मतलब 1% की वैल्यू यहाँ से ये क्लियर हो गया, ये कितना हुआ 6,
40%, 240, अगर अपने 100% लिख दें तो वो ओवरऑल रिजल्ट होगा। तो 100% बनाने के लिए 100% का रिजल्ट यहाँ से कितना हो गया, 600 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, 600। बाकी दूसरे टाइप है वो नेक्स्ट क्वेश्चन से कवर करते हैं। देखिए आप क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि अगर किसी स्टूडेंट के परसेंटेज में 35% मार्क्स आते हैं और वह 200 अंक मिलते हैं और 24 अंक से फेल हो जाता है। आप इंग्लिश वाला राइट है, इसके अंदर 200 वाला है, 200 और 24, इसका मतलब पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 224। अगर आप परसेंटेज में लेके आते हो तो 35 मार्क्स चाहिए, 224। आपसे पूछा है टोटल मार्क्स कितने, टोटल मार्क्स के लिए ये नंबर आपका कितना होना चाहिए, 100%। 100% बनाओ आप। देखो सबसे पहले इसको 7 से कैंसिल करते हैं, ये कितना हो गया 5, 7 × 3 = 21, 7 × 2 = 14। अगर ये नंबर 100% हो गया तो अपना आंसर आ जाएगा। 100% लाने के लिए इस 5% को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से। अगर इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 640 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 27 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि पहले जो क्वेश्चन चल रहा था वो एक स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में था, अब क्वेश्चन चल रहा है दो स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में। अगर ये कह रहा है एक स्टूडेंट ने 20% मार्क्स लिए और वह 30 अंक से फेल हो गया। देखो 20% नंबर लेके आया पहला स्टूडेंट, ध्यान से समझना बाप, 20% मार्क्स लेके आया, कितने अंक से फेल हो गया, 30 से। दूसरा स्टूडेंट जो है वो नंबर लेके आया 32, लेकिन उसके जो टारगेट थे, जो पास होने के लिए मार्क्स चाहिए थे, उससे 42 अंक ज़्यादा आए, उससे 42 अंक ज़्यादा आए, पहले वाले के कम आए। आपको ये बताना है कि पास परसेंटेज क्या है, पास परसेंटेज आपसे पूछा है कि कितने परसेंट चाहिए पास होने के लिए। देखो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट कैसे करते हैं जबकि अपने को कैसा करना चाहिए। अब इसको पहले मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि स्टूडेंट कैसे करता है जबकि आपको कितना शॉर्ट में करना है वो डिस्कस करेंगे। देखो 20% 30 अंक अगर कोई टारगेट है, मान लो 50 नंबर है तो 30 अगर उसके कम आए तो इसका मतलब ये माइनस में जा रहा है नंबर, ये तो माइनस 30 हो गए, और ये उस टारगेट से 42 ज़्यादा है तो मतलब प्लस के 42। इसका मतलब अगर इन दोनों का अंतर देखें, डिफरेंस 32 और 20, तो यहाँ डिफरेंस कितना हुआ, 12%, यहाँ हमेशा माइनस ही रहेगा। ये किसके बराबर है, देखो अगर ये दोनों सेम होते तो माइनस होता, अगर ये अपोजिट है तो इसमें से अगर ये वाला माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। इसका मतलब 12% हुआ 72, क्योंकि 72 अगर आप माइनस माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1% का मान कितना आया, 6। अब आप सोचो कि स्टूडेंट इसे कैसे करता है, वो करता है कि जैसे 1% का मान आया 6, यहाँ से 1% का मान कितना आ गया, 6। अब आपसे पूछा जाए कि आपके पास टोटल कितने परसेंट मार्क्स आए, मान लो 10वीं क्लास में कितने नंबर आए, तो आपके दिमाग में पहले ये आएगा कि मैं पहले आप ये सोचोगे कि 10वीं क्लास के अंदर टोटल मार्क्स कितने थे, फिर आपके दिमाग में ये आएगा कि उस मार्क्स में से आपने कितने लिए, फिर उस मार्क्स का टोटल मार्क्स के रिस्पेक्ट में आप परसेंटेज निकालोगे। अगर उसके अकॉर्डिंग देखें, देखो 1% कितना है, 6, 100% अगर अपने निकालें तो हमें ये पता लग गया कि टोटल मार्क्स कितने हैं, 600, ये हो गया आपके टोटल मार्क्स। अब एक स्टूडेंट क्या है, 20% नंबर लेके आता है, 20%, इसका 20% कितना हुआ, 6 × 2 = 12, 120, लेकिन वो 30 अंक से फेल हो गया, तो 30 और जोड़ दो आप तो ये कितना हो गया, 150। अब आपसे पूछा जाए कि परसेंटेज मार्क्स उसके बताओ कितने, परसेंटेज अगर मार्क्स की बात करें तो ये 150 नंबर 600 के रिस्पेक्ट में कितने हैं, इंटू 100, अगर अपने इसे सॉल्व करें तो यहाँ कितना आ गया, 25%, ये आपका आंसर आ गया। इसी को आप दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते थे, ये आपने नंबर लिखा फर्स्ट स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में, अगर सेकंड स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में देखें तो 32% निकाल के उसमें से 42 कम कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। 32% निकालो आप, 42 कम करो तो भी यही आएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये वाला पैटर्न अप्लाई नहीं करना, आपको यहाँ तक करने के बाद ये नहीं करना है। आपको करना कैसे, देखो आप जब परसेंटेज में पूछा जाए, परसेंट अगर मार्क्स पूछे जाते तो अलग बात है, फिर अपने सॉल्व करते, अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो अब आप दिमाग लगाओ कि मिनिमम वो कितने नंबर लेके आ रहा है, मिनिमम वो नंबर लेके आ रहा है 20%। अगर वो 20% नंबर लेके आ रहा है उसके बावजूद भी वो 30 अंक से फेल हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन को पढ़ो आप, अगर आप 1% नंबर लेके आते हो तो आपको नंबर मिलते हैं 6,
अगर मैं इसको उल्टा रीड करूं कि मैं 6 नंबर लेके आया तो इसका मतलब मेरे को परसेंट कितने मिलेंगे, 1। इसका मतलब अगर 30 नंबर कम आए तो इसको परसेंट में बदल दो आप, 6 नंबर पर 1% है तो 6 × 5 तो 30 नंबर का मतलब 5% और चाहिए, वो 5% आप यहाँ ऐड कर दो तो आपका फाइनल आंसर यहाँ कितना आ जाएगा, 25% इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। आप इसको इसके रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, जब भी क्वेश्चन परसेंटेज मार्क्स का पूछा जाए उस कंडीशन में यहाँ मान निकाल कर जितने की रिक्वायरमेंट है उस नंबर को परसेंटेज में बदल कर डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट ने 30% मार्क्स लिए और वो 25 अंक से फेल हुआ, 30% मार्क्स लिए और वो कितने नंबर से फेल हुआ, 25 से। अगर दूसरे स्टूडेंट की बात करें, उस दूसरे स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए, 40। ये पहला स्टूडेंट है और ये दूसरा स्टूडेंट है, इसके मार्क्स परसेंटेज में जितने चाहिए थे पास होने के लिए उससे 25 अंक ज़्यादा आए, 25 अंक ज़्यादा हो गए। अब क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं आपको और आपको ये बताना है कि पास होने के लिए मार्क्स कितने चाहिए। देखो मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैक्सिमम मार्क्स पूछे जा सकते हैं, सेकंड आपने जो नंबर लेके आए पास होने के लिए वो पूछे जा सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या बनता है कि जो आपने नंबर लेके आए पास मार्क्स के वो परसेंटेज में कितने हैं, वो परसेंटेज के अंदर कितने हैं। अभी जो अपनों ने पहला क्वेश्चन किए थे मैंने जो आपको कराया था वो ये क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था, अब क्वेश्चन आपका क्या है पास मार्क्स का। हर क्वेश्चन की सारी जितने भी टाई बनते हैं वो सारे क्लियर होने चाहिए आपको। अब आप देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, हमें पता है इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, यहाँ हमेशा डिफरेंस लेंगे परसेंटेज के अंदर, यहाँ कितना हुआ 10%। 10% का मतलब अगर यहाँ अपोजिट है, कम ज़्यादा है तो आप जोड़ोगे, अगर सेम हुआ तो आप माइनस करोगे, वैसे भी अगर आप माइनस करोगे तो यहाँ जीरो आएगा तो वहीं गलत हो गया। ये 25 और 25 कितना हुआ 50। टोटल मार्क्स पूछे तो टोटल मार्क्स के लिए नंबर होना चाहिए 100%। अगर ये 100% हुआ तो यहाँ जो नंबर पता लग गया आपको ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 500। इसका मतलब टोटल मार्क्स कितने हो गए 500। 500 के बेस पे देखें तो सारे ऑप्शन में 500 आ रहे हैं, टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपके 500 हो गए। अब ये कह रहे हैं कि आपको पास मार्क्स चाहिए। देखो पास मार्क्स निकालने के लिए दो कंडीशन है, या तो आप इसके हिसाब से चेक कर लो या इसके हिसाब से चेक कर ले। अगर अपने सेकंड वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है पास मार्क्स की अगर बात करें तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन में सबसे पहले जो टोटल मार्क्स आपने 500 निकाले हैं 500 का 30% निकालो पहले आप, 30% निकालते ही कितना मिल जाएगा आपको 150। लेकिन वो 25 अंक से फेल है, 25 इसको और दे दो आप, अगर 25 अपने और दे दें तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा 175। अब ऑप्शन में मैच कर लो आप, 500 और 175 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हुआ सेकंड, इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसकी परसेंटेज बताओ तो यहाँ से देखो आप 10% 50 है तो 1% का मान कितना हुआ 5, 30% तो वो लेके आ ही रहे। अगर 5 नंबर लाने पर 1% आ रहा है तो 25 पे कितने मिलेंगे 5, तो 30 और 5 कितना हुआ 35% इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन क्या है 29। ये भी एक नेक्स्ट कंसेप्ट है कि इसको कैसे करोगे, इसका भी शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ कि लड़के कितने दे रखे हैं इसके अंदर 1000 और गर्ल्स कितनी है इसके अंदर 800। अब ये कह रहा है कि इसमें से 60% लड़के और 50% लड़कियां पास हुई तो आपको फेल होने वालों का परसेंटेज बताना है। पास होने वाले कितने, देखो आप इसके अंदर पास होने वाले हैं 60%, 60% लिख दिया आपने यहाँ और ये हुए पास और यहाँ कितने हैं 50%। आपको जो परसेंटेज निकालना है वो किसका निकालना है, फेल का। अब देखो स्टूडेंट क्या करता है, वो 60% निकालता है पहला इसका 600, फिर इसमें से माइनस करेगा 50%, चलो यहाँ तो 400 हो गया, कोई और नंबर होता 30%, पहले आप 30% निकालो फिर उसको माइनस करो। अब आप अगर क्वेश्चन में पूछा है इसका परसेंटेज तो डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा है उसी को देखेंगे। देखो क्या है, हर क्वेश्चन में अपने को टाइम बचाना है। ये क्या है, फेल है तो आप फेल का सोचो, अगर 60% लड़के पास हुए इसका मतलब फेल हुए 40%, 40% का मतलब ये कितना हो गया 400। 50% लड़कियां पास हुई
तो अपने ये कह सकते हैं कि 50% लड़कियां फेल भी हुई, यहाँ कितना आ गया 400। अब क्वेश्चन पूछा ओवरऑल फेल होने वाले स्टूडेंट कितने हुए, टोटल 800। टोटल स्टूडेंट कितने थे आपके पास, 1800 से डिवाइड कर देंगे इंटू 100, परसेंटेज निकालना है अपने को। अब ये देखो किस से कैंसिल हो रहा है, ये नंबर आपका कैंसिल हो रहा है 2 से, ये 9, ये कितना हो गया 400। अब आप दिमाग लगाओ कि 100/9 11.11 होता है, 11 से 1/9, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो 44.44% इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर आपका सी। इसमें भी समझो क्या है, देखो इसमें भी क्या है जी, ये क्या लिखा हुआ है, 1000 लड़के और 800 लड़कियां। एग्जामिनर कभी कभार क्या करता है, जैसे आप इनका रिशो बना लो, आप ये 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, इसी स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकता था कि बॉयज और गर्ल्स का जो रिशो है वो 5:4 का है, तो कैसे करेंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कवर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी मैं आपको बता रहा था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि कुल विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या बॉयज और गर्ल्स जो है वो 83 1/3% है, शेष लड़के हैं। देखो आपको अगर ध्यान हो 16 से ही 2/3% जो होता है वो होता है 1/6, क्योंकि 48 और 2 50/3 इंटू 1/100 1/6। अगर मैं इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 16 × 5 = 80, 10/3 मतलब 3 से 1/3, 80 और 3 से 1/3 टोटल नंबर कितना हो गया 83 1/3%। इसका मतलब इसका भी 5 गुना होगा, अगर इसका 5 गुना होगा तो वो नंबर क्या होगा 5/6। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टोटल स्टूडेंट 6 है उसके अंदर लड़कियां कितनी हैं 5। अब लड़कियां हैं 5 तो इसका मतलब जो लड़के हैं वो कितने हैं 1, लड़के हैं 1। अब ये क्वेश्चन आपका पहले वाला क्वेश्चन हो गया, जैसे 1000 लड़के हैं और 5000 लड़कियां, अनुपात 1:5 हो गया। अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन में 60% लड़के और 80% लड़कियां उसमें प्रेजेंट हुई। देखो एग्जामिनर हमेशा उल्टा पूछेगा, प्रेजेंट है तो आपसे एब्सेंट पूछेगा, पास है तो फेल पूछेगा, स्कॉलरशिप मिल रही है तो ना स्कॉलरशिप वाला परसेंटेज पूछेगा। अब कह रहा है 60% हुए, अब इसका 60% निकालने में प्रॉब्लम आ रही है, 0 लगा दो आप। अब आप सोचो 60% अगर इसके अंदर प्रेजेंट है तो एब्सेंट कितने हुए 40%, इसका 40% कितना हुआ 4। एब्सेंट की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट अपने उस 60% का यूज ही नहीं करेंगे, परसेंटेज के अकॉर्डिंग कर लेंगे। अब ये कह रहे हैं 80% लड़कियां प्रेजेंट थी, 80% लड़कियां प्रेजेंट थी, इसका मतलब 20% लड़कियां एब्सेंट थी, 20% 5 में इसका कितना हुआ 10, इसका मतलब अगर इसका टोटल करें तो 60 और ये कितना हुआ 14 की जो वैल्यू है वो 60 के रिस्पेक्ट में आपको बतानी है, इनटू कितना हो गया 100, ये कितना आ गया आपका 5, ये आ गया आपका 3। अगर मैं 70 को 3 से डिवाइड करूँगा तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 23 ही 1/3% इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक टाइप कर रहे हैं, इसमें जितने भी कंसेप्ट बन रहे हैं, जितने भी कंसेप्ट बनेंगे मैं सारे के सारे आपको समझा रहा हूँ, ताकि इसके बाद आप कोई भी शीट करना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जिन क्वेश्चनों को हो सकता है आप लॉन्ग तरीके से कर रहे हो, हर क्वेश्चन का एक शॉर्टकट है सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 क्या है, ये कह रहा है कि किसी संख्या को 40 बढ़ाया जाता है तो वो अपने आप का 125% हो जाती है, तो संख्या बतानी क्या है। ये क्वेश्चन SSC मेंस 2017 का क्वेश्चन है। देखो इसका पहले मैं आपको मेथड समझाता हूँ, फिर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते टिक कर सकते हैं कैसे। देखो माना वो संख्या, मान लो मेथड की बात करें एक्स, अगर ये कह रहा है 40 बढ़ाया जाता है, 40 इसमें जोड़ दो आप तो वह अपने आप का 125% हो जाता है, इसका मतलब एक्स का 125% ये हो गया। अब 125% को अगर अपने सॉल्व करें, या तो आप 125/100 करके देख लो आप, या 100% का मतलब होता है 1, 25% का मतलब 1/4, तो ये 1 से 1/4 हुआ। कैसे मैं यहाँ समझा देता हूँ, 125% को अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, या तो आप इसको ऐसे लिखो, ये कितना होगा 25 5 और ये कितना हुआ 4, या फिर आपको ये पता होगा कि 125% को अपने कैसे लिख सकते हैं, अपने लिख सकते हैं 100% प्लस 25%। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है तो मतलब 1, 25% का मतलब 1/4, तो 1 से ही 1/4, तो भी आप लिख सकते हो 5/4, इसका मतलब। अब अगर इसे देखें तो ये कितना हुआ, ये नंबर आपका लिखा जाएगा 5/4 एक्स, एक्स को एक साइड लिख दो आप, एक्स को मैंने एक साइड लिख दिया और कांस्टेंट नंबर एक साइड लिख दिया।
अगर 5/4x में x कम करेंगे, अगर इसमें से ये नंबर अगर अपने कम करेंगे तो ये कितना आ गया आपका 40। अब देखो 4 तो इसका एलसीएम आ गया, 4 इसका एलसीएम आ गया, 5 में से 4 गया x, 40 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का मान यहाँ से कितना आ गया 160। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको एग्जाम के अंदर इतना बड़ा नहीं करना है, ये स्टूडेंट करते हैं, आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना बाप। इस क्वेश्चन को करने का वे क्या रहेगा, सबसे बेस्ट वे है ये करने का। अब आप सोचो कि कोई नंबर में अगर आप 40 जोड़ते हैं तो अपने आप का 125% हो जाता है, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। आपने क्या किया, इसके अंदर 40 जोड़ा तो ये नंबर हो गया 125%। इस समझो इस पॉइंट को, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं परसेंटेज में जोड़ता तो जुड़ता 25%, जो ना होकर जो एक्चुअल में किसके बराबर है, 40 के बराबर। इसका मतलब 25% की वैल्यू किसके बराबर है, 40 के बराबर। अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू संख्या का मान, संख्या अपने आप में कितनी है 100%। अगर 100% निकालना है इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 4 से। अगर 4 से गुणा करोगे तो ये नंबर आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 160। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन करते हैं आपको और क्लियर हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा एक और करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। 32 नंबर देखिए क्वेश्चन, ये कह रहा है किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह अपने आप का 140% हो जाती है। इसका मतलब देखो आप, 100 और 140 में दोनों के बीच का गैप कितना हुआ, 40%। ये वैल्यू किसके बराबर है, 216 के बराबर। अब आपको 100% बनाना है, 100% बनाने के लिए क्या करोगे, 40 और 20 और ऐड कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं। ये कितना हो गया 216, ये नंबर कितना हो गया 108, 16 16 32 और 8 कितना हुआ 40, 2 2 4 और ये कितना हुआ 540। 540 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। या फिर आप इसका एक की वैल्यू निकाल लो, या आप इसको फ्रैक्शन बना के कर लो। फ्रैक्शन में करोगे तो एक जो होगा वो 100% के बराबर होगा, जिस तरीके से मर्जी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर मैं आपको बता देता हूँ देखो क्या है कि अगर यहाँ से आपने लिखा 40%, 40% का रिजल्ट कितना हुआ 216, अगर आप 4 से डिवाइड करो, ये कितना हुआ 4 × 5 = 20, 4 × 4 कितना हुआ 16, एक के बाद पॉइंट, 40 × 5 = 216, 40 को 4 से मल्टीप्लाई किया 0.4 से तो 16, तो 216 हो गया। इसका मतलब एक इकाई का मान कितना है 5.4, तो 100% का अगर अपने को मान निकालना है तो आप 5.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 540। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी TCS में काफ़ी पूछा गया था तो आपको इसका भी एक आइडिया दे देता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे करना है। दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से 40 और 80% कम है, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, तीसरी संख्या से इसे मान लो 100, 40% कम है मतलब 60%, इसका मतलब नंबर कितना हुआ 60। सेकेंड नंबर 80% कम है तो इसका मतलब 20 है, ये 70% कम है तो 30, 40% कम है तो 60, ऐसे। अब आप देखो कि ये कह रहा है कि दूसरी संख्या को इसे कितना बढ़ाया जाए कि पहली संख्या के बराबर हो जाए, इसका मतलब कितना हो गया यहाँ से 40। अब ये कह रहा है कि 20 को 40 करना है, देखो आप, मैंने आपको परसेंटेज का एक कंसेप्ट बताया था, 20 से 40 करना है तो जिससे आप तुलना कर रहे हैं वो 100 होना चाहिए। अगर आप 100 बनाओगे इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 200, कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए 200%। इस क्वेश्चन का हो गया आपका आंसर। अब आप क्वेश्चन को यहाँ लॉजिकल तरीके से भी सोच सकते थे, देखो क्या है, कोई भी नंबर अपने आप में 100% है, देखो 20 का 20 बढ़ाते तो 100% होता, अगर आप 40 बढ़ा रहे हैं तो 100 का डबल कितना हो गया, आप सीधा ही आंसर बता सकते हैं कि आंसर कितना आ जाएगा 200%, क्योंकि सेम नंबर तो अपने आप में क्या होगा 100% होगा, आप डबल बढ़ा रहे हैं तो डबल का मतलब क्या हुआ 200% की ग्रोथ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता एक और करवा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ये कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, तीसरा नंबर अपनों ने मान लिया 100, अगर ये 90% कम है तो मतलब 10%,
75% कम है तो 25, क्लियर है। अब ये कह रहा है कि पहली संख्या में कितने की बढ़ोतरी की जाए कि वो दूसरे के बराबर हो जाए, कितने की बढ़ोतरी की आपने 15 की। अब ध्यान से समझना, आप परसेंटेज में लिखा है तो ये नंबर आपका अगर आप 100 बना दोगे तो ये परसेंट में लिखा जाएगा। 100 बनाने के लिए एक जीरो लगा दो, एक जीरो यहाँ लगा देंगे, फाइनल आंसर आपका कितना आ गया यहाँ 150% इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इलेक्शन से रिलेटेड है, ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, अभी ये बेसिक है, इसको डायरेक्ट करते हैं। ये कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, अगर पहले उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह 298 मत से हार गया, आपको ये बताना कि कुल मत कितने हैं। देखो आप समझो, आप पहला और दूसरा दो कैंडिडेट्स हैं जिनमें इलेक्शन हुआ है, पहले को कितने मिले 40%। अब आप दिमाग लगाओ कि अगर पहले को 40% मिले तो इसका मतलब दूसरे वाले को 60% मिले होंगे, क्योंकि टोटल किस पे बात कर रहे हैं अपने, 100% पे। अगर 40% नंबर मिले हैं या 40% अगर वोट मिले हैं तो ये फेल हुआ है और ये जीता है इसके अंदर। अब इसका मतलब इन दोनों के बीच जो जीत और हार है वो इन दोनों के बीच का गैप है। अगर 20% का अंतर देखें तो ये 20% से हार गया और ये 20% से जीत गया। ये कह रहा है 298 मत से हार गया, तो 20% जो है वो किसके बराबर है, 298 के बराबर। अब आपको ये बताना है कि कुल मत कितने है। देखो आप, कुल मत का मतलब यहाँ क्या करना पड़ेगा अपने को, 100% बनाना पड़ेगा। 100% बनाने का मतलब क्या है, इसको अपने कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये नंबर मेरा कितना आ जाएगा, 0, ये आ गया 49, 10 और 4 14, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 1490 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर देखिए आप, ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, जीतने वाले को वैध मत का 70% मिले, 6400 वोट से जीत गया, पंजीकृत मतों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आप इसका पैटर्न समझो क्या है। देखो इलेक्शन के क्वेश्चन में कैसे होता है, सबसे पहले अपने बात करते हैं टोटल वोट की। जैसे आप किसी गांव में गए या शहर के अंदर टोटल वोट, यहाँ से कंडीशन क्या होगी, जहाँ तो लोग वोट देने जाएंगे कास्ट द वोट, या वो वोट देने नहीं जाएंगे, यहाँ क्या आएगा, डिड नॉट कास्ट द वोट। अब यहाँ से मान लो यहाँ 5000 लोग हैं, उनमें से मान लो 4500 लोग वोट देने के लिए गए, अगर वो 500 के लिए नहीं गए तो ये तो रोल वहीं ख़त्म हो गया। अगर वोट देने के लिए गए तो यहाँ से फिर दो कंडीशन है, या तो वैलिड होगा या क्या होगा, इनवैलिड होगा, वैलिड वोट या इनवैलिड। वैलिड का मतलब वैध मत और इनवैलिड का मतलब अवैध मत। अवैध मत का मतलब जैसे एक आदमी दोनों जगह वोट दे दे तो वो वोट तो दिया है उसने लेकिन वो काउंट किसी में भी नहीं होगा। अब वैलिड से अगर बात करें तो वैलिड से ही डिसाइड होगा कि कौन सा आदमी विनर है और कौन सा आदमी इसके अंदर लूजर है। जीतना और हारना किससे डिसाइड होगा, इस वाले प्रोसीजर से डिसाइड होगा। अगर इस क्वेश्चन पे देखें तो कभी कभार एग्जामिनर क्या करेगा, इसकी बात ही नहीं करेगा, तो आपको क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। इसमें जो जो कंडीशन बनेंगे अभी 2-3 क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा, ये तो आपका है ही। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो आप क्या है। ये कह रहा है किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, तो टोटल अपनों ने मान लिए 100। अब देखो 100 मान लिए, अब ये तो नहीं है तो इसका मतलब 100 ही यहाँ आ गया। अब ये कह रहा है 20% अवैध घोषित कर दिए गए, 20 तो हो गए इनवैलिड हो गई है, तो इसका मतलब वैलिड कितने हुए, वैलिड हुए 80%, वैलिड हो गए यहाँ से 80%। अब ये कह रहा है कि जीतने वाले को वैध मत का, देखो अब यहाँ से विनर और लूजर की बात कर रहे हैं, यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। देखो आप जीतने वाले को या तो वैध मत का लिखा होगा या टोटल वोट का दे रखा होगा। वैध मत का कितना मिला, 70% मिला। अगर इसको 70% मिला तो इसको कितना मिला, 30%। यहाँ से दो कैलकुलेशन है, देखो दोनों ही समझाता हूँ आपको। 70% क्योंकि टोटल तो 100 ही रहेगा, ये कितना हो गया 56। 30% कितना हुआ, 24। और कितने वोट से जीत गया, मतलब इन दोनों का गैप, ये कितना हुआ, 2, ये हुआ 32। 32 आपका 6400 है
एक का मान कितना है 200, अगर एक का मान 200 है तो टोटल वोट आपसे पूछे हैं, अगर इसको 200 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 20,000। लेकिन इस कैलकुलेशन को आप दूसरे तरीके से समझो, इसको और कैसे कर सकते हैं। आपने यहाँ लिखा 70 और 30%, इन दोनों के बीच का गैप। देखो कभी कभार क्या होता है, मान लो एग्जामिनर आपसे कह दे यहाँ जैसे 11 से 1/7%, यहाँ 37%, अगर इस तरह के नंबर आते हैं तो ये कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा। आप क्या करो, 70 और 30% का डिफरेंस देख लो, 70 और 30 का, 70 और 30 का डिफरेंस अगर देखें तो कितना हुआ, 40%। ये 40% किसके बराबर है, ये आपका 40% कितने वोट से जीत गया, ये 6400 से जीत गया, ये हो गया आपका 6400 के बराबर है। अपने को 100% बनाना है। देखो 100% बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, अब इस क्वेश्चन में एक सेकंड देखो, आप इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में यहाँ क्या लिखा हुआ है, 40% क्या लिखा हुआ है, देखो आप, जीतने वाले को वैध मत का 70%, वैध मत कितने हैं 80, अब 80 का 40% है, ये कितना हो गया आपका 32। अगर ये 32 आपका 6400 है तो 1:1 का मान यहाँ से कितना हुआ 200, और अपने को 100 पूछा है तो 100 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, 2 के आगे 4 0। अब आपका इच्छा है, आप इस क्वेश्चन में आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं या इनका अंतर ले सकते हैं। ये वो क्वेश्चन था जब एग्जामिनर ने पूछा था वैलिड का, वैध मत का। अब अपने वो क्वेश्चन करेंगे जब वो बात करेगा टोटल वोट की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 37 नंबर, ये कह रहा है कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, डिड नॉट कास्ट, पूरा आ गया ना जो मैं अभी आपको समझाया था, 100 में से 20 ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट दिए ही नहीं, तो ये तो काउंट होगा नहीं, इसका मतलब देने वाले कितने थे, 80। अभी आगे की लाइन पढ़ो आप, 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, 10%, इसका 10% देखो आप कितना हुआ, 8, इसका मतलब यहाँ 90% होगा, या इसमें से 8 माइनस हुए तो वैलिड कितने हुए, 72, और इनवैलिड अवैध कितने हुए, 8। अब क्वेश्चन जब विनर और लूजर यहाँ लिखा जाएगा, अब क्वेश्चन में जा तो वो वैलिड का देगा या वो टोटल का देगा। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जीतने वाले को कुल मत का 40% मिले, कुल मत का, देखो 100 का 40, कुल मत, अंडरलाइन करो आप इसे, 40। अब आप सोचो 72 में अगर एक 40 है तो दूसरा कितना होगा, 32, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही तो 72 बनाएंगे, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपको बताया गया, कौन कितनी वोट से जीता और कौन कितनी वोट से हारा, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है, 8। ये 8 बता रहा है कि वो 4000 वोट से जीता, मतलब इसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, अगर इसके रिस्पेक्ट में बात होती तो 4000 वोट से हार गया, इसका मतलब 8 का मान कितना हुआ, 4000। अब आपसे पूछा है कि आपको टोटल बताना है, देखो 8 × 5 = 40, 5 के आगे 0 आएंगे, ऑप्शन पढ़ो, आपका ऑप्शन हो गया सी आंसर, लेकिन पूरा सॉल्व करना है तो एक इकाई का मान यहाँ से कितना हुआ, 500, अगर अपने को 100 निकालना है तो ये वाला 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप 500 को, तो 5 के आगे कितने आ जाएंगे, 4 0, इस क्वेश्चन के आगे आंसर, फाइनल आंसर कितना हो गया, 50,000 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 38 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से रिलेटेड है, वेन आरेख जिसे बोलते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले थोड़ा सा पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। देखो जैसे एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है, मान लो ये नंबर बता रहा है आपका इंग्लिश के, और इस क्वेश्चन को अपनी लेते हैं पहले, और इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है मैथ्स। अब आप देखो कि इसमें क्या होगा, अगर अपने पास वाले स्टूडेंट की बात करें तो इसकी लैंग्वेज क्या होगी, ये अगर ये कह रहा है कि इंग्लिश में पास हुए तो पूरा सर्किल इंग्लिश में पास, अगर ये कह रहा है मैथ्स में पास हुए तो पूरा सर्किल मैथ्स में पास, अगर ये कह रहा है कि दोनों विषयों में पास हुए तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन, क्योंकि ये इसमें भी आ रहा है और ये इसमें भी आ रहा है दोनों में। अगर ये कह रहा है केवल इंग्लिश में पास हुए तो केवल इंग्लिश में पास होने का मतलब ये वाला, कौन सा, ये वाला पॉइंट देखिए आप, ये वाला केवल इंग्लिश। अगर केवल मैथ की बात कर रहा तो केवल मैथ में क्या होगा, ये कहने का मतलब क्या क्या पॉइंट हो गए, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, दोनों हो गया, केवल इंग्लिश हो गया, और केवल क्या हो गया, मैथ्स हो गया। ये पॉइंट अगर अपने को ध्यान है तो क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाता हूँ अभी आपको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 60% स्टूडेंट इंग्लिश में और 70% स्टूडेंट हिंदी में और दोनों में 40% पास हुए। देखो पहले ये देखते हैं इन दोनों में, एक साइड में बात किसकी हो रही है, इंग्लिश की, एक साइड में बात हो रही है हिंदी की। क्वेश्चन को जैसे इसका आपने पैटर्न पढ़ा होगा, ए प्लस बी माइनस सी कर दो आप आंसर आ जाएगा, लेकिन इसमें क्या है कि सी जो कॉमन है ये दोनों अलग अलग हैं। बेस्ट वे क्या है इस क्वेश्चन को करने का जिसमें आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले क्वेश्चन को कॉमन से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कॉमन से। अब आप देखो कॉमन क्या कह रहा है कि 40% दोनों में पास हुए तो ये नंबर आएगा पास का। अगर वो फेल की बात करता तो पूरा डायग्राम फेल का बनाएंगे और 100 में से कम कर देंगे तो पास का आ जाएगा लास्ट में अगर पूछा जाएगा तो। 40% पास हुए तो 40 यहाँ आ गए, इसका मतलब ये कह रहा है कि 60% स्टूडेंट इंग्लिश में पास हुए। देखो आप 60 तो ये, अगर 40 में वो स्टूडेंट है जो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी पास हुए तो इसका मतलब यहाँ नंबर कितना आएगा, 20। अब ध्यान से समझो आप, केवल इंग्लिश 20, इंग्लिश की बात करें तो 60। तो इंग्लिश में तो जरूरी थोड़ी ना कि देखो इंग्लिश पास है तो वो दूसरी और सब्जेक्ट में भी पास हो सकता है। अब ये कह रहा है कि 70% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, इसका मतलब अगर यहाँ 40 है तो इस जगह पे क्या आएगा, 30। 30 नंबर आपको केवल हिंदी बता रहा है, 70 आपको हिंदी बता रहा है। अगर अपने यहाँ बात करें देखो पास है तो एग्जामिनर ने पूछा है कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हुए हैं। अब आप इनको काउंट करो, देखो 20 और 40 कितना हुआ, 90। 20 और 40 कितना हुआ, 60 और 30, 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास हुए। अगर 100 में से 90% पास हुए तो इसका मतलब फेल होने वाले जो स्टूडेंट हैं वो कितने होंगे, 10%। तो 10% इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 39 नंबर, ये कह रहा है कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी इंग्लिश में, 80% मैथ्स में पास हुए और दोनों में फेल हुए 10%। इसका मतलब जो डायग्राम बनेगा वो फेल का बनेगा क्योंकि दोनों में दे रखा है 10%। अब ऐसे डायग्राम बना लो आप, ये क्या है, सबसे पहले इंग्लिश और यहाँ जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मैथ्स की, फेल की बात कर रहे हैं क्योंकि कॉमन जो दे रखा है वो फेल का दे रखा है। यहाँ कितना आ गया आपका, 10। इसका मतलब यहाँ अब सारी इंफॉर्मेशन फेल की चलेगी। अब ये पहला कह रहा है कि 70% स्टूडेंट इंग्लिश में पास हुए, अगर 70% पास हुए तो इसका मतलब फेल हुए 30। इसका मतलब 30 में 10 कवर है तो ये कितना हुआ, 20। सेकेंड लाइन देखो, इसमें फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, 80% मैथ्स में पास हुए, इसका मतलब 20% फेल हुए। 20 में अगर ये 10 है तो यहाँ कितना आ गया, 10। इसका मतलब अगर अपने इन सबको ऐड करें तो 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश या मैथ्स के अंदर या उन दोनों में फेल हुए हैं। इसका मतलब अगर 40 फेल हुए हैं, अब आप देखो इनको काउंट करो आप, इसका मतलब जो पास हुए हैं 100 में से 40 माइनस कर दो तो कितने हुए, 60। ये 60 किसके बराबर हैं, ये है आपके 140, 144 के बराबर, और ये नंबर सारे परसेंटेज में लिखे हुए हैं। अब आपसे पूछा टोटल की बात कर रहे हैं तो टोटल 100% की बात अगर अपने करें तो 6 × 2 = 12, 6 × 4 = 24, एक के बाद पॉइंट। अगर अपने 100% लिखें तो 100% को अगर अपने 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 240 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। ऐसा एक क्वेश्चन अपने और कर लेते हैं क्योंकि वेन डायग्राम के क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा आते हैं, तो कि आपको क्लियर हो जाए। ये कह रहा है कि 60% स्टूडेंट इंग्लिश में और 70% मैथ्स में पास हुए और दोनों में फेल हुए 20%। डायग्राम क्या बनेगा फेल का, तो एक साइड में इन्फॉर्मेशन आएगी इंग्लिश की और एक साइड में आएगी मैथ्स की। ये किसकी होगी, इंग्लिश की, और ये किसकी होगी, मैथ्स की। और यहाँ जो इन्फॉर्मेशन लिखी जाएगी वो किसकी लिखी जाएगी, फेल की। कॉमन से स्टार्ट करना है। अब ये कह रहा है कि दोनों में 20% स्टूडेंट फेल हुए, 20 तो यहाँ आ गया परसेंट में। अब आप सोचो अगर ये 20 है और यहाँ लिखा है 60% स्टूडेंट इंग्लिश में पास हुए, अगर इंग्लिश में पास हुए 60 तो इसका मतलब फेल हुए 40। 20 कवर है तो यहाँ कितना आ गया, 20। अब ये कह रहे हैं मैथ्स के अंदर 70% स्टूडेंट पास हुए, मैथ में गणित में अगर 70% पास हुए तो मतलब 30% फेल हुए। 30% में अगर ये 20 है तो इसका मतलब ये नंबर कितना हुआ, 10%। अगर इन सबको ऐड कर दें 20, 40 और 10, इसका मतलब 50% स्टूडेंट फेल हुए।
इसका मतलब पास भी कितने हुए होंगे, 50%, क्योंकि 100 में अगर 50 आपके फेल हैं तो इसका मतलब पास भी कितने हैं, 50। ये 50% किसके बराबर हैं, ये हैं 2500 के बराबर। आपसे पूछा है टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 100%, इसका डबल कर दो आप। अगर आप इसका डबल करोगे, यहाँ जो आंसर आएगा डबल करने पर वो कितना आ जाएगा, 5000 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। अब नेक्स्ट किसी और कंसेप्ट पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप 41 नया टाइप है। अब ये कह रहा है कि जैसे मान लो कि जैसे आपने देखा होगा कोई सैलरी पर इतना भोजन पे खर्च कर रहा है, इतना मनोरंजन पे खर्च कर रहा है, तो उस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे, उसमें भी दो कंडीशन है। देखो आप क्या है, ये कह रहा है राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पे खर्च करती है। इसके बावजूद भी वो एक महीने के अंदर 1500 रुपये बचा लेती है, उसकी पर मंथ की सैलरी बतानी क्या है। दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब इस क्वेश्चन में डायरेक्ट बात हो रही है, देखो 40% भोजन, ये भोजन हो गया 40। अब इसने शेष की बात नहीं की, शेष करता तो 60 का आप निकालते 20%। क्वेश्चन होगा या तो डायरेक्ट चलेगा या शेष पे चलेगा। इसका मतलब 20%, 20 किस पे निकाल रहा है, वो घर के किराए पे, घर का किराया हो गया, किराए की अगर बात करें तो 10% मनोरंजन पर, ये मनोरंजन हो गया, और 10% किस पे खर्च करता है, 10% परिवहन पे खर्च करता है। अब आप सोचो कि इसने टोटल 100 में से कितना खर्च किया, 40, 60, 70 और 80। अगर 100 में से 80 खर्च किया तो बचाया कितना, 20%। वो 20% किसके बराबर है, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1500 के बराबर है। आपको टोटल पूछा है अगर अपने 100% की वैल्यू निकालें तो अगर आप इसका इंटू 5 कर दोगे तो इसका मतलब अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया वो कितना आया, 7500 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। अब अपने वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें रिमेनिंग पे बात करेगा, शेष पर, उसको कैसे करेंगे, नेक्स्ट से क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, शेष वाला जो क्वेश्चन है उसे कैसे करेंगे। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति कुल आय में से मकान किराए पर 20% और शेष राशि लिखा हुआ है, शेष है वो रिमेनिंग 70% घर पे खर्च करता है, इसके बावजूद भी वो 1800 रुपये बचा लेता है, उसकी कुल इनकम बतानी क्या है। तीन तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको सारे तरीके बताता हूँ क्या है। फर्स्ट मेथड क्या, आपने मान लिया 100, अब ये क्वेश्चन शेष वाला चल रहा है, शेष आय लिखा हुआ है, वो हिंदी में देख लेना आप मिस से। इसके अंदर ये कह रहा है कि मकान किराए पर 20%, 20 किराए पर, इसका मतलब शेष यहाँ कितना बचा है, 20 कितना बचा, 80। अब ये कह रहा है कि इसका 70% शेष का, 70% इसका 70% कितना हुआ, 56। वो किस पे खर्च करता है, घर के खर्च पे खर्च करता है, 30% बचा लेता है, 24। अब ये कह रहा है जो बचाया 24 जो है वो आपका किसके बराबर है, वो 1800 के बराबर है। ये 24 जो है वो किसके बराबर है, 1800 के बराबर है। आपको क्या बताना है, कुल इनकम बतानी है, 100 का मान निकालना है। देखो इसे सॉल्व करते हैं, देखो क्या है, 6 से अगर कैंसिल करें 4, ये कितना हुआ, 3। अगर 100 बनाना है तो 4 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 25 से। अगर इसको अपने 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ कितना आ जाएगा, 7500 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी। अगर मैं दूसरे तरीके की बात करूँ, अब इस जगह पर मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस तरीके से मत करो क्वेश्चन को, कैसे, उसके पीछे एक कारण है। मान लो ये क्वेश्चन में 20% ना लिखकर ये क्वेश्चन में कह देता कि वो किराए पर 11 से 1/9% खर्च करता है, फिर आपको यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी 100 मानने पर, क्योंकि ये तो इंटीजर के केस में सही है। दूसरा तरीका क्या है कि अपने इस नंबर को मान लेते हैं कि जो टोटल उसकी इनकम है एक्स, एक्स का अब आप देखो कि 20% उसने मकान किराए पे खर्च किया, 20% अगर खर्च कर दिया तो बचा कितना, 80%। 80% कितना होता है, 4/5। अब ये शेष राशि बचेगी, अब शेष का क्या कर रहा है, वो 70% घर के खर्च पे खर्च करता है, 70% अगर घर के खर्च पे खर्च किया तो 30% बचा, 30% का मतलब 3/10। अब ये किसके बराबर है, ये 1800 के बराबर है, किसके बराबर है, 1800 के बराबर है। यहाँ से x का मान अपने को निकालना है। अब आप देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, अगर मैं इसको 12 से देखूँ तो 12, 6 और 0 कितना होगा, 150। अगर अपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें
अगर आप 150 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया 75, दो जीरो आगे, ये कितना आ गया 7500। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप इस तरीके से भी मत करो, इससे भी ना करो। अब मैं आपको तीसरा बता रहा हूँ जो आपको डायरेक्ट रिजल्ट देगा। आपको बेस्ट वे ही तो पढ़ना है कि सबसे बेस्ट वे क्या होगा। देखो तीसरा तरीका क्या है, जो नंबर आपको दे रखे हैं, देखो शेष से पहले वाले देख लो आप, मकान के किराए पर 20%, 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5, इसको लिख लो आप। शेष शब्द आना चाहिए, इसमें कौन सा वर्ड लिखा होना चाहिए, शेष। अब ये कह रहा है कि उसके बाद शेष राशि का 70%, 70% कितना हो गया आपका, 70% हो गया 7/10, 7/10। अब ये कह रहा है कि अब आप सोचो कि आपके पास टोटल रुपए कितने थे, 5। अगर मैं यहाँ बात करूँ टोटल की, 5, एक मैंने खर्च कर दिया तो मेरे पास बचे कितने, शेष रिमेनिंग कितने बचे, 4। अब आप इसको भूल जाओ आप। अगर मैं टोटल की बात करूँ 10, और 7 मैंने खर्च कर दिया, यहाँ कितने बचे, 3। अब आप देखो इससे देखो कि ये क्या है, ये कितना आ गया आपका 2, और ये कितना आ गया 5, ये हो गया 25, और ये हो गया 6। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि टोटल रुपए थे आपके पास 25, सारे खर्च करने के बाद अब आपके पास कितने बचे, 6। अब आप ये कहोगे, यहाँ बच्चे का एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर रिमेनिंग चल रहा था, यहाँ आपने फिर टोटल कैसे मान लिया। अब आप देखो कि अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 और 10 एक साथ आ रहे हैं, देखो 5 और 10 एक साथ आ रहे हैं। इस जगह पर आपका 4 और 3 आ रहा है, 4 और 3 आ रहा है, इसी पॉइंट को यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप उस वे में पढ़ते हो तो थोड़ा इजी लगता है, यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। अब ये कह रहा है कि लास्ट में कितने रुपये बचाए इसने, 1800 रुपये। इस 6 का मान 1800 है, 1 का मान कितना हुआ, 300। अगर मैं 25 को 300 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के अंदर क्या आ जाएगा, 7.5 है यार। अब आपके पास चॉइस है कि आप इस क्वेश्चन को इससे करो, इससे करो, या सबसे बेस्ट है इस क्वेश्चन में जब लास्ट और फर्स्ट का पूछा जाए तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है, 43। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर, बाकी का देखो शेष आ गया ना, 1/3 कितना है परिवहन पर, इसके बावजूद 1500 रुपये बचा लेता है जो इसके भोजन और परिवहन पे खर्च करने वाले शेष राशि के आधे के बराबर हैं, मासिक वेतन बताओ। तो सबसे बेस्ट है लास्ट वाली अप्रोच, वैसे दूसरी भी कर लेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस में रहे। 40% लिखा हुआ है तो देखो 40%, 20% होता है 1/5, ये कितना हुआ, 2/5, इसका मतलब टोटल है 5, अगर 2 आपने खर्च कर दिया तो यहाँ बचा कितना, 3। अब ये करें 1/3, देखो 1/3 इसने यहाँ डायरेक्ट 1/3 लिख दिया, एग्जामिनर इसकी जगह 33 1/3% भी लिख सकता था। 1/3 इसने कहाँ खर्च किया है, परिवहन पे खर्च किया, तो ये 3 और ये नंबर कितना हो गया आपका, 2, एक खर्च करने के बाद। अब आप देखो ये नंबर आपस में हो गया कैंसिल, ये कितना हुआ 5 और ये नंबर हुआ 2। अब ये कह रहा है कि वो 4500 रुपये बचाता है जो इन पे खर्च होने के आधे के बराबर है, इसका आधा देखो 2 का आधा कितना हुआ, 2 का आधा कितना हुआ, 1, ये किसके बराबर है, 4500 के बराबर है। आपसे टोटल पूछा है, टोटल वैल्यू कितनी है, 5, क्योंकि ये 5 है, खर्च होने के बाद चलता रहा लास्ट के अंदर ये बचा, उसका भी आधा 4500 है, तो यहाँ से 5 का मान किसके बराबर होगा, अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 225 आगे 20, फाइनल आंसर आपका कितना आ गया, 22500 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। बेस्ट वे तो ये है। अगर आप चाहते हो कि चलो अपने परसेंट स्ट्रक्चर बना के करें, अगर मान लो आपको स्ट्रक्चर बना के करना है, तो हमने ये मान लिया कि टोटल कितना है 100 पे 40% खर्च हुआ, 40, शेष कितना बचा, शेष बचा 60। अब ये कह रहा है 60 का 1/3 परिवहन पे खर्च करता है, शेष का 1/3, ये कितना हुआ, 20। अब कितना बचा शेष, यहाँ से कितना आ गया, 40। अब ये कह रहा है जो बचत करता है, जो लास्ट में जो बचा उसके आधे के बराबर है, तो 40 का आधा कितना हुआ, 20, ये किसके बराबर है, 4500 के बराबर। आपसे 100 पूछा है, 100, इसका मतलब ये वाला 100 जो होगा वो किसके बराबर होगा, इसको इंटू 5 कर दो आप। जैसे आप इंटू 5 करोगे तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो 22500 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। आपके ऊपर चॉइस है, आप कैसे मर्जी कर सकते हैं। देखो आपको इतना बेस्ट वे में पढ़ाया गया है,
आप इस चीज़ को जरूर शेयर करना, जरूर लाइक करना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों के पास बेस्ट कंटेंट मिलना चाहिए। कमेंट के थ्रू बताना आपको ये परसेंटेज कितना बढ़िया लगा। पहले मैंने आपको रेशो टॉपिक पढ़ा दिया है, एक तरह का मैं आपको एक क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ, ये मान लो आप, पूरे कंसेप्ट समझा रहा हूँ ताकि आपको सारे के सारे पॉइंट आपको कवर हो जाएँ। जो आप लॉन्ग वे में करते हैं उसको एक्चुअल में शॉर्ट में कैसे करते हैं। जितना अच्छा आप लोगों का रिस्पांस होगा उतने हम मोटिवेट होंगे। हर बार आपको एक नई कोई ना कोई वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो अब लास्ट में दो तीन पॉइंट आपके बचे हुए हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 44। ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट के दूसरे से 9 नंबर ज़्यादा हैं और उसके मार्क्स मतलब हाईएस्ट वाले के दोनों के टोटल का 56% है, मार्क्स बताने क्या हैं। देखो सबसे पहले आप इसके ऑप्शन रीड करो, ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है, 42, 33। सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है 43, 34। थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है 41, 32। नेक्स्ट दे रखा है 39, 30। अब आप देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये करें पहली कंडीशन देखो कि पहले के मार्क्स दूसरे से 9 ज़्यादा है। 9 ऐड करो, इसमें 9 ऐड करो, इसमें 9 ऐड करो, इसमें 9 ऐड करो, इस बेस पर सारी इन्फॉर्मेशन राइट है। अगर मैं ऑप्शन से करूं, और ये कह रहा है जो जिसके हाईएस्ट है, ये इसके हाईएस्ट है और ये मिनिमम है, हाईएस्ट वाला इन दोनों के टोटल का 56% है। देखो अब आपको मैं एक पॉइंट समझाता हूं, देखो क्या है, आप इस क्वेश्चन को बहुत फास्ट कर सकते हैं, ये पॉइंट समझना आप। एक्स का वाई परसेंट ये बराबर होता है वाई का एक्स परसेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है परसेंटेज का ये। कैसे, जैसे मान लो कि मुझे किसी नंबर का, जैसे 56 का 50% निकालना है और इस साइड निकालना है 50 का 56%। अब ध्यान से समझना आप, अगर आपसे पूछा जाए 50 का 56% अगर आपको निकालना है तो यहाँ आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ आप करोगे 50 × 56/100, ये दो आपस में कट गया, ये कितना आ गया यहाँ 28। एक सेकंड रुको आप, एक मिनट। यहाँ से आपने जब क्वेश्चन को सॉल्व किया, इस जगह पे आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर आपको ये पता है कि अगर अपने नंबर चेंज कर दें, देखो आप ये x का y परसेंट या y का x, और आपने नंबर चेंज किया, इसको आप ऐसे लिख दो, और इस जगह पर अगर आपको ये पॉइंट ध्यान है तो आप सीधा लिख सकते हो कि 50% का मतलब आधा होता है, तो 56 का आधा कितना हुआ 28। इसका मतलब अगर आपको ये पॉइंट पता है तो क्वेश्चन को आप फास्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो ये पॉइंट का यूज़ अपने यहाँ करते हैं। अब ये कह रहा है कि हाईएस्ट के जो मार्क्स हैं, जो 42 हैं, वो इन दोनों के टोटल के, इन दोनों का टोटल कितना हुआ 75, उसका 56% है। अब आप इस पॉइंट को समझो, आप बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखो अगर आप 75 का 56% करोगे तो आप इस सिचुएशन में जाओगे आप, लेकिन अपने को ये पता है कि अगर मैं इसके नंबर चेंज कर दूँ, ये वाले 56 का मैं 75% कर दूँ, वो 3/4 होता है। अब अपने को पता है कि इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 56 का क्या है 75% है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 56 का 75% 3/4, अगर इसको इससे डिवाइड किया ये कितना आ गया 14 × 3 कितना हुआ 42। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब आप दिमाग लगाओ कि अगर मैं 75% लिखूं 3/4, ये मेरा 43 तो वैसे ही कैंसिल नहीं होगा, 41 भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो प्राइम नंबर है। 69 का 75% 3/4 के हिसाब से फिर पॉइंट में आएगा, तो अपना फाइनल आंसर कितना हो गया फर्स्ट वाला। लेकिन इस क्वेश्चन को करवाने के पीछे मेन कारण क्या था, मुझे आपको ये कंसेप्ट समझाना था। आपको भी पता है, देखो एक हमारा लाइव बैच भी चल रहा है, उस लाइव बैच के अंदर अभी 3 या 4 दिन हुए हैं अभी आपको, अगर आपको पूरे डेप्थ पूरे हर चैप्टर की समझ नहीं, आप लाइव बैच ले सकते हैं। अगर आपको कंसेप्चुअल स्टडी करनी है, वो इस यूट्यूब पर हमेशा चलती रहेंगी, क्योंकि कंसेप्ट मेरे को एक्चुअल में समझाना था कि ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया, कंसेप्ट वाइज मैं लगभग सारा आपको बता ही रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 45% ऑफ 180 ऑफ 280 प्लस 28% ऑफ 450 का रिजल्ट आपको बताना है। क्वेश्चन लेने के पीछे कारण कि आप इसे कैसे करेंगे, इसमें फिर मैं आपको एक कंसेप्ट समझाऊंगा, जबकि एक्चुअल में अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है आप क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं कि 252 है, मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की, वो आपको अभी दूसरे वे में बताऊंगा कैसे। स्टूडेंट इसे कैसे करेगा, स्टूडेंट इसे करेगा 45% ऑफ 280, वो पहले इसे सॉल्व करेगा। देखो आप
आना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको कम समय में आना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो आप पहले से सॉल्व किया, देखो ये टाइम की बर्बादी है, 5 × 2 ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 14, 14 को 9 से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 126। अब स्टूडेंट क्या करेगा, इसे सॉल्व करेगा, 28/100 ये कितना हुआ 450, टाइम बर्बाद हो रहा है। देखो आप 5 × 2 ये कितना हो गया 9, यहाँ कितना आ गया 14, फिर दोबारा से रिजल्ट कितना आया 126, 126 126 को दोनों को ऐड किया तो फाइनल रिजल्ट आपका कितना आया 252, ये आपका आंसर आ गया। और स्टूडेंट यहाँ खुश हो रहा है कि उसने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब उसे ये नहीं पता कि अगर इसे स्मार्ट तरीके से किया जाए, अगर आपने 15 से 20 सेकंड लगाए हैं तो भी अगर आपकी कैलकुलेशन बढ़िया है, इस क्वेश्चन को 4 या 5 सेकंड में भी किया जा सकता है 1/4 टाइम के अंदर। उसके लिए फिर मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। देखो मैंने पहला कंसेप्ट आपको क्या बताया था कि उसका फिर यूज़ करेंगे इससे पहले वाले क्वेश्चन का, एक्स का वाई परसेंट ये किसके बराबर है, वाई का एक्स परसेंट। पहला कंसेप्ट तो ये है। दूसरा ये है कि आप जीरो की पोजीशन को आप कहीं भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो मैंने 100 का 10% लिखना है, ये पॉइंट समझना आप, 100 का 10%, हमें पता है कि 100 का 10% 10 होता है, 10/100 कर देंगे। अगर मैं एक जीरो को यहाँ शिफ्ट कर दूँ, अगर मैं लिखूँ 10 का 100%, एक जीरो को यहाँ लिख दो आप, इसका मतलब क्या हुआ, 100% अपने आप में कंप्लीट है एक, तो भी रिजल्ट कितना हुआ 10। अगर एक जीरो को और खिसका दो आप, 1 का 1000%, परसेंट लिखेंगे नीचे 2 जीरो आएंगे तो भी रिजल्ट कितना हुआ 10। इसका मतलब या तो आप एक्स का वाई परसेंट लिखो या वाई का एक्स परसेंट, और जीरो को कहीं भी चेंज कर दो आप। इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो 45% ऑफ 280 प्लस 28% ऑफ 450 का अगर रिजल्ट देखें तो 45% अगर इस जीरो को यहाँ शिफ्ट कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कितना हुआ 280, और परसेंट को आप यहाँ लिख दो क्योंकि इस वाले कंसेप्ट पर परसेंट को कहीं भी लिख दो, यहाँ क्या है वाई के साथ और यहाँ क्या है एक्स के साथ, दोनों पॉइंट एक साथ लग रहे हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन को अपने ऐसे लिख सकते हैं, ये भी रिजल्ट यही है, ये 45% हुआ और ये 280 हुआ, इसका मतलब 45% ऑफ 280 और इधर से भी 45% ऑफ 280, दोनों को जोड़ देंगे तो ये 90% हुआ किसका, 280 का। अब अपने को पता है परसेंट का मतलब दोनों जीरो कैंसिल, 9 से मल्टीप्लाई कर दो 72, 18 और 7 कितना हुआ 25, फाइनल आंसर आपका कितना हुआ 252। ये एक बेस्ट अप्रोच है जिससे अपने कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये आपको पूरा चैप्टर यहाँ समझा दिया है, तो आप ज़रूर बताना कि आपको ये कैसे लगा। अगर आपको पसंद है तो ज़रूर लाइक करना, शेयर और कमेंट इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक के अंदर फिर कुछ अच्छे टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए सबको ऑल दी बेस्ट।